जब आता हूँ ना क्लास में, मैं कोड ओपन करता हूँ और शक्लें देखता हूँ, तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता याद आता है अच्छा क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हम लॉजिकल ऑपरेटर शुरू करने वाले थे, लेकिन टाइम थोड़ा सा था, मैंने कहा ये प्रॉपर टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट अब शुरू करेंगे। हाँ, तो कौन आप में से ये बताएगा कि यार व्हाट इज लॉजिक? कंपैरिजन ऑपरेटर हमने पढ़ा, तो कंपैरिजन ऑल ऑफ यू नो कि जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है कि कोई किसी से कम या ज़्यादा है या कोई दोनों इक्वल है, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उसको हम कंपैरिजन कहते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब जो साफ जाहिर है उससे। इसी तरह से जो कंडीशनल, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमें पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अब लॉजिकल ऑपरेटर जो है, इसको पढ़ने से पहले हमें लॉजिक भी तो पता होनी चाहिए ना कि व्हाट इज लॉजिक। तो कौन, ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है, इसमें कोई सही गलत नहीं है। तो आप में से जो भी चाहे अपना इजहार ख्याल कर सकता है। 15 लॉजिकल ऑपरेटर एंटर। हाँ भाई हो, बताओ। ये मैं, आपकी आवाज़ ही नहीं है, इतना स्लो आपने बोला। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो, एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ हो। अच्छा अच्छा और लोग कर बताएं। कोई इसमें सही गलत नहीं है, ये जो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है। इसका मकसद ये है, ये सवालात पूछने का, ये मैं अक्सर पूछता हूँ, मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले पूछता हूँ कि आप बताएं क्या। तो आप सोचते होंगे कि यार ये तो हम पढ़ने आए हैं, ये हम ही से ही पूछ रहे हैं कि ये क्या है। तो इसका मेन जो मकसद है सवाल पूछने का, वो ये है कि आपके दरमियान अगर कोई जीनियस बैठा हुआ है, कोई अच्छा समझदार बंदा आपके दरमियान अगर बैठा हुआ है, तो वो निकल के सामने आए ना। वरना अगर क्लास वन वे होती है ना, तो मुझे मज़ा वैसे भी नहीं आता। पहली बात, मैं ये चाहता हूँ कि क्लास में सिर्फ मैं नहीं बोलूँ, आप लोग भी बोलें, आप लोग भी पार्ट लें, क्योंकि क्लास का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो ये स्टेज नहीं है, वो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों को सिखाना मकसद है। और जाहिर है फिर आप लोगों के पेस पे आना पड़ेगा। तो ये ब्रेन स्ट्रोमिंग के सवाल से मुझे फीडबैक मिलता है, दो तीन बातें मुझे पता चलती हैं। आप लोगों का स्टेट ऑफ माइंड पता चलता है कि किसका लेवल क्या है, ताकि फिर मैं उसी लेवल पे आने की कोशिश करता हूँ। कोई भी आर्ग्यूमेंट जिसमें हम डिसीजन ले सकें। हाँ, जैसे इन्होंने वर्ड यूज़ किया कि कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, उसमें किसी ने अपनी लॉजिक पेश की है, तो लोग उससे डिसीजन, तो वही लॉजिक जो किसी ने पेश किया ना, व्हाट इज़ दैट लॉजिक, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉजिक, किस तरह की बात अगर कोई बोलेगा तो उसको हम कहेंगे ये लॉजिक दे रहा है। ये एक सोचने की बात है ना। मुश्किल काम को आसान करना, जैसे अगर अच्छा, ये दोस्त नहीं, एंड अभी एंड और तो है, वो तो प्रोग्रामिंग में ना, लेकिन दो मिनट के लिए प्रोग्रामिंग सारी भूल जाए हम, प्रोग्रामिंग की अभी बात ही नहीं हो रही, अभी हो रही है इन जनरल जो वर्ड लॉजिक है। हम कहते हैं ना अक्सर यार ये लॉजिक देता है बहुत, रीजनिंग क्या होती है फिर, ये भी एक सवाल है। यार ये फ़ैन अगर मैं बंद कर सकता हूँ क्या, इससे शोर हो रहा है काफ़ी, आप लोगों की ना आवाज़ नहीं आ रही मुझे, थोड़ी देर बंद करके देखते हैं। अगर बाय द वे अगर आप में से कोई पहले आ जाए ना, देखो कितना शोर कम हुआ, आप में से अगर कोई पहले आ जाए ना, तो यार एसी ऑन कर दिया करो। हाँ तो वो
फ़ौरन ना जैसे ही आ जाए ना कोई दो चार लोग आ जाएँ तो इसको ऑन कर दिया करो, ताकि जब जब तक सारे लोग पहुँचे ठंडा हो चुका हो ग्लास। अच्छा देखो अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई है आगे। असल में ये फ़ैन भी ना इसको, ये डाउन फेसिंग फ़ैन है ना सारे, तो वो हवा को वहीं पर रोक देते हैं, वो आगे आने नहीं देते हवा को। तो ये फ़ैन जब तक ऑन रहेगा ना वो हवा आगे आती भी नहीं। पीछे काफ़ी ठंड हो रही होगी लेकिन यहाँ गर्मी हो रही है, यहाँ पे ना इस जगह पे काफ़ी अभी गर्मी फील हो रही है मुझे। अब आहिस्ता आहिस्ता हवा की ठंडक इस तरफ आ रही है। वेल तो मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने फ़ैन बंद किया, सॉरी। अगर किसी को गर्मी लगे तो प्लीज़ बताइएगा, मैं दोबारा ऑन कर दूँगा। अच्छा तो दो तीन बातें आई हैं यहाँ पे। एक दोस्त कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास चेयर्स कम हैं और बंदे ज़्यादा हैं तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी की जाए कि चेयर को राउंड वगैरह करके कुछ जुगाड़ लगा लिया जाए, तो इसको लॉजिक कहेंगे। अच्छा और एक आप रीजनिंग का क्या कह रहे थे, आप ज़रा प्लीज़ रिपीट कीजिएगा। मिसाल के तौर पर ये मेरे हाथ में बोतल है, अगर इसको मैं छोड़ूंगा तो नीचे चला जाएगा ये, तो ये तो साइंस है ना, ये तो साइंस है, इसमें लॉजिक नहीं। इन जनरल अभी मैं प्रोग्रामिंग साइड का नहीं पूछ रहा, ये तो साइंस है ना कि हमें पता है कि ये ग्रेविटी है, हमें पता है ग्रेविटी ये नीचे जाएगा, तो आप ये कह रहे हैं कि इसका ग्रेविटी से नीचे जाना ये लॉजिक है। कितने लोग इनकी बात से एग्री करेंगे, यही लॉजिक है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं किसी चीज़ को नीचे छोड़ूंगा नीचे की तरफ, हमें इसका पता होना कि भाई ग्रेविटी की वजह से नीचे, हमें इसका पता होना तो नॉलेज है ना, ये लॉजिक है, ये भी लॉजिक, ये तो नॉलेज है ना, हमें पता है, हमने देखा है कि भाई हम नीचे छोड़ते हैं गिर जाता है, हमने देखो साइंस, साइंस भी भाई दबाई समझने की बात है। व्हाट इज साइंस, ये भी ज़रा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइंस जो है वो, अगर आप साइंस की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे ना तो वो उसमें लिखा हुआ ये आता है कि अपने सराउंडिंग को क्या करना होता है, आपने ऑब्जर्व करना होता है, और सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके जो आप उससे नतीजा अखज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड साइंस। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो ज़मीन की ग्रेविटी है, अच्छा बाय द वे ये बड़े अच्छी बड़ा अच्छा टॉपिक निकला है इनकी बात से। अब दिस इज़ ट्रू कि ये मैं छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा, दिस इज़ ट्रू राइट, और ये हमें ट्रूथ पता कैसे चला, ये साइंस ने रिवील किया ये ट्रूथ हम पे। वैसे भी हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं नीचे गिरते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। कितने बजे एग्जैक्टली, 6:37 हो रहे हैं अभी, 40 पे हो या 45 पे, 40 पे, थैंक यू मैं भेजता हूँ। अच्छा तो मैं एक जुमला कह के ना अभी साइंस एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लॉजिक पे डिस्कशन वापस आके हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। साइंस जो है उसके अंदर लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, या उसको आप लॉ बोल लें या रूल जो भी बोल लें, साइंस का कोई भी लॉ होता है, जैसे न्यूटन के लॉज हैं, ये ग्रेविटी वाला लॉ उसी ने बनाया है कि कोई चीज़ आप छोड़ेंगे तो वो ग्रेविटी की वजह से, या किसी चीज़ को आप मारेंगे तो वापसी, तो वो जो रूल है ना साइंस का वो एस्टेब्लिश ट्रूथ होता है, उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको साबित करना होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई साइंटिस्ट आता है, अभी मैं साइंस की ज़ुबान में बात कर रहा हूँ प्योरली, साइंस बड़ी ब्रूटल है, वो आपके जज्बात को कोई अहमियत नहीं देती, कोई वैल्यू नहीं देती, वो कहती है भाई जो है तो अगर प्रूव कर सकते हो तो ठीक है, नहीं प्रूव कर सकते हो हम बोलेंगे थ्योरी है ये। बहुत सारी न्यूटन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, अभी तक आइंस्टाइन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, आइंस्टाइन बोलता है टाइम ट्रैवल हो सकता है, कहते हैं थ्योरी है, अगर हो सकता है तो करके दिखाओ, फिर रूल बन जाएगा, फिर लॉ बन जाएगा, जब तक प्रूफ नहीं होता जब तक थ्योरी है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं कि आप जो मर्ज़ी आप सोचते रहो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूफ करोगे तो वो इस्टेब्लिश होगा और फिर वो बनेगा लॉ। तो साइंस हमने क्या सीखा कि साइंस अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को एक ऑब्जर्व करना। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने देखा आसमान, मैंने बोला यार ये आसमान ब्लू क्यों है, आसमान ब्लू क्यों है, फिर मैंने सोचा, यही होता है ना हाइपोथेसिस पेश करते हैं आप फिर कि यार ये आसमान क्यों होगा ब्लू, सोचते हैं आप, आपने सोचा शायद यहाँ से ना नीचे से कोई एवेपरेट होकर ऊपर जाता हो पानी, कोई गैस बनती हो ऊपर, कुछ होता हो ऐसा, तो आपने हाइपोथेसिस दे दिया कि ये गैसेस हैं, ये कोई गैसेस हैं जो जिसका कलर ब्लू है। अब ये हाइपोथेसिस है, ये थ्योरी है, ये जब तक प्रूव नहीं होगी ना, जब तक इसको साइंस बोलेगी कि थ्योरी है, ये गलत भी हो सकती है। अच्छा फिर जब वो आप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसको साबित कर देंगे
और आप कहेंगे कि ऐसे 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 करके पता चलता है कि ये ट्रू है बात। फिर कोई दूसरा बंदा आएगा कहेगा नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं होता, ये आप गलत कह रहे हैं। वो भी एक्सपेरिमेंट करे, उसके एक्सपेरिमेंट से भी बात साबित हो जाए कि नहीं यार आप जो कह रहे थे वही बात सही है। फिर कोई तीसरा एक्सपेरिमेंट करे उसके, तो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट से जब कोई सेम रिजल्ट अखज़ होता है तो दैट इज़ अ साइंटिफिक रूल। और साइंटिफिक रूल जो है जो इस्टेब्लिश होता है उसी के ऊपर हमारी जो जदीद साइंस है वो खड़ी हुई है। जदीद साइंस का जो पूरा जो पिलर है वो उसी के ऊपर खड़ा हुआ है। अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड इस्टेब्लिश ट्रूथ। अब ट्रूथ की और कितनी किस्में होती हैं वो हम वापस आके डिस्कस करते हैं। ट्रूथ की एक्चुअली तीन किस्में होती हैं टोटल, ठीक है। ट्रूथ की क्या होती हैं, तीन किस्में होती हैं, वो हम वापस आके डिस्कस करते हैं कि वो बाकी दो किस्में कौन सी होती है। एक तो ये वाली है, बाकी दो कौन सी होती है वो हम डिस्कस करते हैं। तो फिर ये साइंस कंप्लीट होगा, फिर हम दोबारा लॉजिक पर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ लॉजिक। लॉजिक इज़ नॉट साइंस बाय द वे, ठीक है। लॉजिक इज़ नॉट, लॉजिक का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लॉजिक इज़ अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, तो वापस आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। साइंस की हम बात कर रहे थे। तो ट्रूथ होते हैं तीन तरह के। नंबर एक होता है पर्सनल ट्रूथ। पर्सनल ट्रूथ ये होता है कि जिसको ना, यानी एक बंदा, यानी कि मैं या आप या कोई भी एक बंदा सिर्फ वो ये माने कि यार ये बात ट्रू है, रिगार्डलेस कि वो हकीकत में ट्रू हो या नहीं हो, रिगार्डलेस कि बाकी लोग उसको ट्रू मान रहे हैं या नहीं मान रहे, वो बंदा दिल से माने कि हाँ यार ये ट्रू है, ठीक है। एक तो होता है ये ट्रूथ। अच्छा, कौन कौन से ट्रूथ होते हैं ये? मिसाल के तौर पर मैं भी ये साइंस की, प्योरली साइंस की जुबान में बात कर रहा हूँ। हर बंदे का जो रिलीजन है ना वो उसका पर्सनल ट्रूथ है, बाकी लोग मान रहे हैं नहीं मान रहे, प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा है, हर बंदे का रिलीजन उसका अपना पर्सनल ट्रूथ है। वो मान रहा है ट्रू है तो वो मान खड़ा हो उसको। इसी तरीके से कुछ लोगों का ख्याल होता है कि वो बहुत हसीन है उनसे ऊपर है ही नहीं कोई मार्केट में, तो वो उनका पर्सनल ट्रूथ है, बाकी लोग माने ना माने उसको परवाह नहीं है। तो और कुछ लोगों का ख्याल होता है कि वो बहुत पैसे वाले हैं, होता होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अपोजिट भी होता है इसका, कुछ लोगों को लगता है यार मैं कुछ कर नहीं सकता ज़िंदगी में, ये भी एक होता है। हालांकि वो बहुत कैपेबल होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं माशरे में, लेकिन उनको फिर भी लगता है यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे देखे हैं मैंने बहुत सारे लोग, मेरे पास भी आते हैं कुछ ऐसे उड़ते हुए कि जो है ना सर मैं तो कुछ भी करता हूँ वो तो ख़राब हो जाता है, फिर मैंने फ़लाँ टेक्नोलॉजी सीखी थी, मैं सोचा था कि मैंने उसमें पैसे बहुत मिलेंगे, फिर वो तो चली गई, फिर पता नहीं क्या हो गया, तो रोने गाने लगे रहते हैं। तो वो भी उनका पर्सनल ट्रूथ है, रिगार्डलेस कि दुनिया उसको माने या नहीं माने या वाकई असली में वो ट्रू है या नहीं है। तो ये हमने नंबर एक टाइप समझ ली। नंबर दो टाइप होता है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ये होता है कि रिगार्डलेस कि आप उसको सच माने या ना माने वो ट्रू रहेगा और वो इस्टेब्लिश होता है सब लोगों में। जैसे कि आग में आप उंगली डालेंगे अपनी तो आपका हाथ जलेगा, दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। अब आप बोले नहीं नहीं यार ऐसे ही बोल रहा है, तो डाल के चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा फिर कि जलेगा या नहीं जलेगा। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं या ऑब्जेक्टिव ट्रूथ किसको कह सकते हैं आप। तो अच्छा, साइंस के जितने लॉ है ना वो सारे ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होना उसका ज़रूरी है। जब तक कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं होती ना वो साइंस का लॉ नहीं बन सकती। और साइंस के में जो क्या उसको बोलते हैं आई विटनेस की जीरो वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। आप कहेंगे नहीं मैंने देखा है कि ऐसे यहाँ पे भूत घूम रहा था, वो कहेंगे देखा है तो क्या हुआ, उसको प्रूफ करोगे आप तो, ठीक है। भूत वूत नहीं मानती साइंस, क्योंकि वो आपने देखा है ना तो आई विटनेस की कोई वैल्यू नहीं है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट से। तो अगर यहाँ इस कमरे में अगर भूत रहता तो बुलाओ उसको, बुला के इधर खड़ा करो, मीडिया भी बुलाओ, वो भी कैमरे में आना चाहिए। अगर कैमरे में नहीं आ रहा तो किसी और चीज़ में, जैसे अभी एक्सरे है, एक्सरे कैमरे में तो नहीं आता लेकिन थर्मामीटर पर आ जाता है, वो दूसरी चीज़ों पर, दूसरे इक्विपमेंट से उस पर शो होता है, और जितनी बार करेंगे उतनी बार शो होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि समटाइम कभी शो ना हो रहा हो, ठीक है। तो एक्सरे है, वो बहुत सारे अलग अलग रेज है, इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड पे ये जो रिमोट चलते हैं ना इसी के, ये सारे इंफ्रारेड पे चलते हैं, गाड़ी के जो रिमोट है ये भी किसी ना किसी रेज पे चलते होंगे। तो वो जितनी दफ़ा आप बटन दबाएंगे तो रिमोट से ऑन होगा ही, ऐसा नहीं होगा कि कभी दबाएंगे तो वो सेल ख़त्म हो गया, वो अलग बात है, लेकिन वो हर दफ़ा काम करेगा, आएगा। तो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ होना ज़रूरी है अगर कोई चीज़ साइंस का लॉ है। एक तीसरी टाइप भी होती है ट्रूथ की, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल ट्रूथ। पॉलिटिकल ट्रूथ जो होता है वो क्या होता है, असल में वो ट्रू होता नहीं है लेकिन वो बार 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 इतनी बार उसको रिपीट किया जाता है ना कि आवाम में वो मशहूर हो जाता है कि ये बात ट्रू है और लोग उसको सच मानने लगते हैं। मिसाल के तौर पर
जैसे कि काली बिल्ली अगर सामने से गुजर जाए तो पता नहीं क्या बकवास हो जाएगी कुछ, ठीक है। जैसे कि रात को अगर आप दरख्त के नीचे सोएंगे तो भूत पकड़ लेगा आपको। रात को अगर आपकी कहाँ कचरा कुंडी के पास कहाँ जाएंगे रात को तो भूत पकड़ता है। हमारी तरफ वैसे एक ग्राउंड है, वहाँ से कहते हैं यार रात को यहाँ से गुजरोगे ना तो भूत पकड़ लेगा। नहीं मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, नहीं मतलब वो असल में उस तरफ से मेरा गुजर नहीं है, मैं दूसरी साइड से मेरा गुजर है, वो आने जाने में ना मेरे रास्ते में नहीं पड़ता। वैसे तो मैं रात को देर तक बैठता हूँ, सैटरडे को अक्सर पूरी रात बाहर ही होता हूँ मैं, तो मतलब आज तक मुझे तो भूत ना नज़र आया ना कभी जो है ना मुझे पकड़ने की कोशिश की उसने। तो कहने का मकसद है कि बहुत सारे, जैसे अगर आप रात को दरख्त के नीचे सोएंगे ना तो लोग मर भी जाते हैं दरख्त के नीचे सोने से, लेकिन उसका रीज़न मेन ये नहीं होता कि वो भूत ने मार दिया, वो असल में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का कोई चक्कर होता है। रात के वक्त दरख्त ना अपोजिट बिहेव करने लग जाते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट से साबित है, वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है कि रात के वक्त कुछ दरख्त, सारे भी नहीं होते कि कुछ दरख्त होते हैं, अब वो उनकी क्या लिस्ट है वो मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, लेकिन कुछ दरख्त होते हैं वो रात को जो है ना अगर आप उसके नीचे चलो इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है कि आप सफ्रिकेट करके आप मर जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाता है, और ऑक्सीजन जब आपको नहीं मिलता तो उसका जो बिहेवियर होता है वो ऐसा होता है कि आपकी आपको नज़र आ रहा होता है सब कुछ लेकिन आपका दिमाग ना डिसीजन नहीं ले पाता। ये एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है कि वो जहाज़ में ना ऑक्सीजन आपको पहले खुद क्यों लगाने कहते हैं, वो दूसरे को क्यों नहीं, पहले वो कहते हैं पहले खुद लगाओ ऑक्सीजन फिर दूसरे को लगाओ, वो अगर आप खुद नहीं लगाएंगे ना पहले तो ऑक्सीजन जैसे ही आपको मिलना बंद होगा ना तो आपके पास 5 या 6 सेकंड होते हैं, आपके पास 5-6 सेकंड आपको ऑक्सीजन नहीं मिला ना अगर, तो आपके ब्रेन डिसीजन पावर ख़त्म हो जाती है। आपको नज़र आ रहा होता है सब कुछ कि अच्छा यार ये गिर रहा है ये हो रहा है, लेकिन आप सोचेंगे ना मैं उठ जाऊँ तो आपका आपका ब्रेन डिसीजन नहीं ले पाता कि मैं उठूँ, वो कुछ इस तरह की कैफियत है। हाँ, एक एनजाइटी टाइप की सिचुएशन होती है, आप कुछ हो नहीं पाता, आपको नज़र सब आता है लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते, तो ब्रेन में ऑक्सीजन जैसे ही ख़त्म होता है ना तो आप ऑलमोस्ट डेड हैं, ऑलमोस्ट आपके पास अगर एक ही चांस है कि कोई दूसरा आपको उठा के वहाँ से ले जाए तब आप बच सकते हैं, वरना अगर वो 5 सेकंड आपने शुरू के ज़ाया कर दिए ना ऐसी जगह पे जहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो आप गए ख़त्म कर नहीं अभी। वेल, तो ये 3 टाइप है, तीसरा टाइप पॉलिटिकल ट्रूथ है। तो ये साइंस जो है ना ये बीच वाला जो एक ट्रू है इसके ऊपर चलती है, बाकी पॉलिटिकल ट्रूथ और पर्सनल ट्रूथ ये इसमें से कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता साइंस में दाखिल होती जा रही हैं, जो जो चीज़ प्रूफ होती जाएगी, मतलब कोई बंदा लोगों में मशहूर है ये बात है उसको साइंस से प्रूफ भी कर दिया तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया, तो ये दोनों बाकी जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता प्रूफ हो के ये साइंस के अंदर दाखिल होती जा रही है, तो ये हमारे साइंस की पूरी स्टोरी है जो अभी चल रही है। अच्छा, साइंस से पहले बाय द वे किस चीज़ का दौर चल रहा था, ये तो साइंटिफिक दौर में जी रहे हैं, इससे पहले फिलोसफिकल दौर चल रहा था, ठीक है, फिलोसफी होती थी इससे पहले। अभी के दौर में ना अगर आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी है तो आपको उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करना होता था, पहले जो है ना फलसफी होते थे वो अपने फलसफे से प्रूफ करते थे, यानी बातों बातों में कुछ आपको कन्वेंस कर लेते थे कि ये ऐसा है। तो आज से पहले शायद पता नहीं 1000 साल पहले मे भी फलसफे का दौर था, उसमें ये होता था कि आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी है ना तो आपको ज्यूरी बैठा के उसको कन्वेंस करना होता था कि ये ट्रू है। अब वो कैसे करते थे कन्वेंस, वो पूरी एक फील्ड ऑफ स्टडी अलग है, लेकिन अब वही सारी चीज़ें साइंस के दौर में फलसफे की कोई वैल्यू नहीं है, आई विटनेस की कोई वैल्यू नहीं है, आपके जज्बात की, आप क्या सोचते हैं आप क्या समझते हैं उसकी कोई, एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है। वेल, तो ये तो हमने साइंस को कंप्लीट कर लिया, यही है साइंस सारा, कंप्यूटर वंप्यूटर सब साइंस सब यही चल रहा है। अब हम आ जाते हैं दोबारा से लॉजिक पे, व्हाट इज़ लॉजिक, गूगल कर लो, गूगल करके देख लो, सब लोग जल्दी से गूगल करो व्हाट इज़ लॉजिक, रीजनिंग बता रहा है, अच्छा मैं भी लिखता हूँ लॉजिक। लॉजिक डेफिनेशन, लास्ट टाइम मैंने गूगल किया था तो एक बड़ा अच्छा सा एक डेफिनेशन आई थी, अच्छा वो लास्ट मैंने ना वो किया था गूगल किया था तो एक
वो एक अंकल आए थे लॉजिक फील्ड ऑफ स्टडी, वो अभी नज़र नहीं आ रहा, वो उस डेफिनेशन में ना शुरू ऐसा हुआ था कि लॉजिक इज द फील्ड ऑफ स्टडी ऐसे करके हुआ था। ये वाले हैं वो अंकल जिनकी फोटो आई थी, ये शायद अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है मेरी, देखो गूगल के उसमें भी ना चीज़ें एकदम नीचे चली जाती हैं, पता नहीं चलता। अच्छा ये वाली डेफिनेशन ना गूगल पे डायरेक्ट आ रही थी सामने, ये मुझे गोबर्ट फ्रैग ये अंकल का शक्ल याद थी मुझे, तो ये सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे मिली है गूगल पे। लॉजिक इज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग स्पेशली एट इन्वॉल्व ड्राइंग द इंटरफेरेंस द आर्टिकल डिस्कस। अभी यार ये भी कुछ और है, डेफिनेशन ये भी सही है लेकिन उसमें कुछ वर्डिंग्स ऐसी थी ना बड़ी अच्छी वर्डिंग्स थी। अच्छा तो करेक्ट रीजनिंग, सर्च करते हैं सर्च करते हैं। अच्छा ये वाली पे गूगल जो डेफिनेशन दे रहे हैं ना इसी पे ही करते हैं क्योंकि वो तो मिल नहीं रहा। अच्छा इन्होंने बोला रीजनिंग कंडक्टेड और एसर्टेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी अ सिस्टम ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ द, ये छोड़ो ही बड़ा मुश्किल है यार मैं वैसे ही बताता हूँ। देखो वापस इस पे आ जाते हैं, ठीक है वो अंग्रेज़ी में इतनी मुश्किल करके बता रहे हैं। अच्छा बात वही करेंगे जो मैं करने लगा हूँ लेकिन वो थोड़ी मुश्किल करके बता रहे हैं, वो समझ में नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे मैं वही बोतल पे आ जाता हूँ जो इन्होंने दोस्त ने कहा था ना कि बोतल नीचे गिरेगी तो ये लॉजिक है, तो मैं एक लॉजिक पेश करता हूँ उससे आपको समझाने के लिए कि असल में लॉजिक होती क्या है। आप सब लोगों ने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट किस किस चीज़ में चिपक जाता है, सारे मेटल में नहीं चिपकता, स्टील में नहीं चिपकता, कॉपर में नहीं चिपकता, कॉपर की तार को चेक ही इस तरह करते हैं मैग्नेट लगा के कि मैग्नेट चिपक तो नहीं रहा, सिर्फ आयरन में चिपकता है, सिर्फ आयरन में, मेटल में सिर्फ आयरन ही है जिसमें चिपक जाता है, या टिन टिन वगैरह में भी चिपक जाता है, बाकी उसमें एलॉय वगैरह होते हैं एलमोनियम होता है उसमें नहीं चिपकता। अच्छा मैं आपको अगर एक बात बताऊँ कि जो मैग्नेट होता है ना वो वैसे तो हमें देखने में लग रहा है कि प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं करता, अल्मोनियम को अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन अब पत्थर को भी अट्रैक्ट नहीं करता, स्टोन में चिपकता है मैग्नेट, नहीं चिपकता। लेकिन मैं आपको एक बात प्रूफ करता हूँ कि पत्थर को भी ना थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करता है वो, प्लास्टिक को भी थोड़ा थोड़ा करता है, लकड़ी को भी करता है। कभी आपने ये ऑब्जर्व किया आज तक? नहीं किया आपने। तो मैं आपको लॉजिक के ज़रिए कन्वेंस करना चाहूँगा कि ऐसा ये बात ट्रू है, लॉजिक के जरिए, साइंस के जरिए नहीं, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो मुझे फिर मैग्नेट लाना पड़ेगा, चपका के दिखाना पड़ेगा कि अच्छा ये देखो चपक रहा है, फिर आप भी आएंगे हाथ लगा के देखेंगे, आप कहेंगे हाँ यार चपक रहा है, सही है, फिर वो मीडिया उसको कवर करेगा, फिर पेपर छपेगा उसका, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। मैं आपको लॉजिक के जरिए, हाँ बल्ब कैसे जला लूँगा ये तुमको यूट्यूब की वीडियो देख कर आया हो शायद। वेल तो ये सीरियस बात हो रही है अभी ये, कोई वो तो लॉजिक के ज़रिए मैं आपको प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि मैग्नेट जो है वो प्लास्टिक अल्मोनियम और लकड़ी में भी चिपकता है, थोड़ा कम चिपकता है लेकिन चिपकता है। अच्छा कैसे, ज़मीन पे आप चलते हैं, आप ज़मीन से उखड़ते क्यों नहीं है, ग्रेविटी की वजह से आप चिपके रहते हैं ज़मीन में, तो ज़मीन ऐसा माना जाता है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, दिस इज़ एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कि ज़मीन क्या है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ज़मीन क्या है एक बहुत बड़ा मैग्नेट है ना। कंपास घर पे तैयार किया किसी ने कभी यहाँ पे, वो साइंस की क्लासेस में बाय द वे वो बताते हैं कि वो धागे से बांध, एक ऐसे लंबा सा होता है मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसको आप धागे में बांध के अगर बिल्कुल सेंटर से लटकाएं ना तो वो ऐसे जब खड़ा होता है तो वो ऑटोमेटिक अपना ये डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो असल में जो मैप में बना हुआ होता है ना, हम बोलते हैं ना इधर साउथ है इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है वेस्ट है, तो वो कैसे पता चलता है, असल में वो ये पूरा मैग्नेट है ज़मीन भी एक बहुत बड़ा,
और हमारे पास एक छोटा मैग्नेट है, मैग्नेट आपस में रिपल होता है, तो हम जब उसको धागे से बिल्कुल सेंटर से लटकाते हैं ना, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में ऑटोमेटिक ऐसे घूम जाता है। तो जितने भी कंपास होते हैं असल में उसमें छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ होता है और कुछ भी नहीं होता। इवन दो के मोबाइल फ़ोन में जो मैग्नेट्स होते हैं, जो मोबाइल फ़ोन में जो कंपास होते हैं उसमें भी मैग्नेट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी यहाँ पे कोई मैग्नेट, मेरे पास यहाँ मैग्नेट लगा हुआ होता है इसमें, तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अगर मैं मैग्नेट के पास लेके जाऊँगा ना कंपास को, कंपास पागल हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे मैग्नेट है एक यहाँ पे है, अब वो दोनों उसको एक एक अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, तो दोनों से रिपल होता है ना, तो पागल हो जाता है। अच्छा अभी मैं उसको पागल करके दिखाता हूँ। अच्छा ये मेरे ख्याल है इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जो कंपास है ना मोबाइल फ़ोन में जो होता है, आप इसके नीचे मैग्नेट ऐसे लगाएंगे ना यूँ या आगे पीछे, तो वो इधर उधर भागना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि कंपास जो काम करता है वो कैसे काम करता है, एक बड़ा मैग्नेट है और वो कंपास जो उसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट होता है, वो क्योंकि मैग्नेट आपस में रिपल करते हैं, तो वो जब उसको सीधा रखा जाता है ना और वो पिन के ऊपर लगा दें या आप उसको लटका दें धागे से, तो ऑटोमेटिक अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसमें पता चल जाता है। तो आप ये कन्वेंस हो गए कि ज़मीन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ये तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव ये ट्रूथ है, ये मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़मीन मैग्नेट है, ये पहले से प्रूफ्ड है जब ही हम इसमें चिपके हुए होते हैं। अच्छा अब मैं जब बोतल को छोड़ता हूँ तो ये नीचे क्यों जाता है, इसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है ना, जब ही तो नीचे जाता है, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है ना बोतल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लास्टिक को और पानी को भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, करता है ना, जब ही तो नीचे जा रहा है, वरना इसको नहीं जाना चाहिए, सिर्फ लोहे को नीचे जाना चाहिए। जमीन पे अलग मैग्नेट है? नहीं, अलग मैग्नेट कैसे हो? नहीं वो उसका उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, बस 9.8 जो ग्रेविटी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। हाँ आप उसको चेक करेंगे ना कि जो एक अभी मैग्नेट के मुख्तलिफ नाम होते हैं, जो इस फील्ड के बंदे हैं ना मैग्नेट के नाम होते हैं, तो वो जो सबसे हार्ड मैग्नेट होता है ना वो ऐसा होता है कि जो आपस में टकराता है तो टूट ही जाता है, उसको इतने बड़े बॉक्स में पैक करके देते हैं कि वो किसी जैसे चिपक ना जाए शिप होने के दौरान, क्योंकि वो कहीं चिपकेगा ना तो वो इतनी ज़ोर से चिपकता है कि टूट जाता है वो। तो उसका भी जो मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नेट का एक जो चिपकने की एक सलाहियत होती है, उसका एक पैरामीटर होता है, तो 9.8 बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, वो जो हमारे पास जो मैग्नेट्स होते हैं जो इसमें नहीं चिपकते, वो असल में बहुत हल्के फुल्के होते हैं। मैग्नेट बनते कैसे हैं? मैग्नेट बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो नेचुरल मैग्नेट होता है जो ज़मीन से भी निकल जाता है समटाइम, लेकिन वो भी बनता है असल में, वो किसी भी मेटल को आप रगड़ते रहो तो मैग्नेट बन जाता है, ये होता है असल में। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बिजली से चलने वाला। ठीक है, तो ये दो ही तरीके हैं मैग्नेट को बनाने के, एक खास तरह का पत्थर होता है उसको रगड़ते रहो मैग्नेट बन जाता है, या किसी मैग्नेट से चिपका के छोड़ दो तो वो भी शेयर कर लेता है, मैग्नेट आपस में शेयर कर लेता है, ये भी होता है। तो ये दो तीन तरीके ही होते हैं मैग्नेट बनने के, कोई ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो इसलिए वो जाहिर है जितना रगड़ेंगे उतना ही मैग्नेट बनेगा, तो हल्के फुल्के होते हैं, जितने भी मैग्नेट आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो हल्के फुल्के होते हैं। तो मैंने आपको कन्वेंस कर लिया सब लोगों को कि प्लास्टिक जो है वो मैग्नेट में चिपक जाता है, अगर मैग्नेट स्ट्रांग इनफ हो तो प्लास्टिक भी चिपकेगा उसमें, गोश्त भी चिपकेगा जब, या तो आप खड़े में वरना आप उड़ जाते हैं हवा में, गोश्त हड्डी प्लास्टिक ये सब, ये जो प्लास्टिक का ये है ना ये नीचे रखा हुआ इसी वजह से कि मैग्नेट में चिपका हुआ है, इतनी ज़ोर से भी नहीं चिपका हुआ, हल्का सा है थोड़ा, लेकिन है, मतलब ऊपर नहीं जा रहा, इधर नीचे आ रहा है। तो ये होती है लॉजिक। लॉजिक क्या होती है कि आप पहले से जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पहले से मौजूद साइंस के लॉज हैं, उनको देखते हुए ना आप कहें कि अगर ये सच है और ये सच है तो ये तीसरी बात भी सच होनी ही चाहिए। ये कहते हैं ना आप, कहते हैं कि अगर ज़मीन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ये ट्रूथ है, पहला ट्रूथ। दूसरा, बोतल को छोड़ता हूँ तो वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, नीचे जाता है। अगर ये दोनों बातें ट्रू हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट प्लास्टिक में चिपकता है। अच्छा अगर आप बोलेंगे कि नहीं यार मैग्नेट नहीं चिपक रहा है इसके अंदर, ये कुछ और है बात, तो मैं बोलूँगा कि पहले फिर आप उसको फॉल्स करें, जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है ना उसको फॉल्स करना पड़ेगा आपको, मेरी बात को झुठलाने के लिए आपको पहले से मौजूद दो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को फॉल्स करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर आपको साइंस से पूरी लड़ाई करनी पड़ेगी, पूरा एक महास खुलेगा। हाँ जो नहीं मानेगा वो उसका पर्सनल ट्रूथ है कि वो नहीं मान रहा। ठीक है, तो क्योंकि दो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को मैंने सामने रखा है, इक्वेशन में मैंने दो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को डाला है,
और उसका इक्वल करके जो लास्ट में रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है कि मैग्नेट प्लास्टिक को भी अट्रैक्ट करता है। तो ये मैंने एक लॉजिक की एग्जांपल दिया आपको, लॉजिक ये होता है। अच्छा, इसी तरीके से कोई और एग्जांपल जो बात लॉजिक से प्रूव होती हो, समझ तो आ गया ना क्या है लॉजिक? ये दो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को देखते हुए एक तीसरा आपको वो सजेस्ट। बाय द वे, लॉजिक्स के जरिए हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने ये जो ज़मीन और चांद का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वगैरह, ये साइंस से बहुत पहले कैलकुलेट हो चुका था और यही लॉजिक के जरिए हुआ था। लॉजिक के जरिए हुआ था। ज़मीन जो है वो गोल है और ज़मीन का सरकमफांस क्या है, ये लॉजिक के जरिए डिस्कवर हुआ था, ये साइंस के जरिए नहीं हुआ है। साइंस तो बहुत बाद में आई है। अगर तुम्हें एक ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, अगर तुम्हें ये पता लगाना है कि तुम जिस अर्थ पे रहते हो इसका सरकमफांस क्या होगा, तो क्या करोगे? रेडियस कैसे पता लगाओगे? इतना बड़ा है भाई, पता नहीं कितने लाख मील है। किसी भी सर्कल का रेडियस है, क्योंकि अर्थ भी गोल है, कोई सर्कल भी गोल ही होता है, इस सर्कल का रेडियस देखिए उसका एक ही होगा। नहीं, असल में इन्होंने क्या किया था कि दो मीनार बनाए थे दो जगह पे, मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता पूरा वाकया क्या था। वो दो मीनार बनाए थे और उसको आपस में ना एक मीनार पे खड़े होकर दूरबीन से दूसरे को देखते थे, वो तो वो नज़र नहीं आता था, या इस तरह का कोई चक्कर था। तो उन्होंने बोला कि यार अच्छा, इतनी हाइट अगर इतनी दूर से नज़र नहीं आती ना, तो मतलब ये सर्कल है ना यूँ, अगर यहाँ एक मीनार बना हुआ तो वो यूँ होगा, यहाँ एक मीनार बना हुआ तो यूँ होगा। तो वो एक से दूसरे को देखते थे, वो नज़र नहीं आता था वो, तो वो फिर उसको और ऊँचा किया, तो जिस हाइट पर जाके वो नज़र आना शुरू हुआ ना, उसको पेपर पर ड्रॉ करके वो सरकमफांस निकल गया आराम से। ठीक है, तो इस तरह से कुछ किया था इन्होंने, तो वो पहले ही हो चुका था, साइंस बहुत बाद में आई है ये। तो इस तरह की बहुत चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं लॉजिक्स के ज़रिए। तो कोई ऐसी एक बात आप में से चाह रहा हूँ मैं, कि कोई एक बंदा ना कोई लॉजिक से कोई बात चीज़ प्रूव करे। हाँ, कोई भी बात हो सकती है। सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, सही है। और नहीं, सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, तो ये तो एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ हो गया ना। अब एक दूसरा ऑब्जेक्टिव ट्रूथ इक्वेशन में डालेंगे आप, या तीन या चार या पांच, बहुत सारे भी हो सकते हैं भाई, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो ही हो, तीन चार पांच भी हो सकते हैं। उससे आप फिर एक नतीजा खास करेंगे कि यार ये चीज़ें ट्रू हैं, तो फिर ये भी ट्रू होगा। जैसे मैंने बोला कि ज़मीन अगर मैग्नेट है और ये ज़मीन पर गिर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो मैग्नेट चिपकता है इसके अंदर, ये बात ट्रू है। तो ये लॉजिकल बात है ये, ठीक है। साइंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मुझे साइंटिस्ट को मुझे कन्वेंस करना होगा ना, ये तो मैं लॉजिक दे रहा हूँ एक आम बंदे के लिए, किसी के, लेकिन साइंटिस्ट इसको भी नहीं मानते। साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई ये नीचे गिर रहा है ना, और अगर तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट इसमें भी इन्वॉल्व रहेगा, बोलेंगे यार एक्सपेरिमेंट करो इसका भी। तो इसका एक्सपेरिमेंट भी भाई देखिए यही होगा कि नीचे गिरेगा तो जा रहा है नीचे, मे बी, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट। हाँ भाई, अर्थ इज राउंड, एक ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ हो गया। सरकमफांस है कुछ एक्लिप्टिकल शेप है, एक ये हो गया। दूसरा, चलो मैं एक लॉजिक और देता हूँ। पत्थर कितना भारी होता है, और जो ये संगमरमर का पत्थर तो काफ़ी भारी होता है जो यहाँ टाइल पे लगा हुआ नीचे, लेकिन मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये सबसे हल्का मटेरियल है इस पूरे प्लैनेट अर्थ का। जो सबसे लाइटेस्ट मटेरियल है वो ये पत्थर है, रॉक्स हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं ना, जो चट्टानें हैं, चट्टान और रॉक्स आर द लाइटेस्ट मटेरियल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ये मैंने स्टेटमेंट दिया, भी इसको लॉजिक से प्रूफ करूंगा मैं। अच्छा, पॉइंट मेरा प्रूफ करना नहीं है, पॉइंट आपको लॉजिक समझाना है कि लॉजिक क्या होती है, ठीक है। वो बताया था ना मैंने कि समटाइम मैं बहुत लंबी छोड़ता हूँ, तो ये वो पार्ट मेरा शायद आप आज देख रहे हैं। अच्छा भाई देखिए, ये जो मैं बात बताने लगा हूँ, ये मैंने सुनी थी नील डिग्रेस टाइसन से, वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है दुनिया का, शायद जो ये अभी अंकल मरे हैं ना उनके बाद पहले नंबर पर वही आता है, जो अंकल थे ना, ऐसे क्या नाम था उनका, स्टीफन हॉकिंग के बाद शायद अब वही है टॉप पे साइंटिस्ट जो है पूरी दुनिया में।
नील डिग्रास टाइसन, उससे मैंने ये बात सुनी थी, लेकिन आपको मैं लॉजिक समझाने के लिए बता। अच्छा, तो ऐसा बोला जाता है कि जब ये अर्थ फॉर्म हुआ था, अकॉर्डिंग टू द साइंस, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो एस्टैब्लिश है, कि ये अर्थ जब फॉर्म हुआ था तो ये क्या था? जब कोई भी प्लैनेट फॉर्म होता है तो वो क्या होता है? वो लावा होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होता है। कोई भी जब प्लैनेट फॉर्म होता है तो वो पहले पहले लावा होता है, वो खोलता हुआ लावा होता है। और अभी भी इस वक्त भी एट एनी गिवन टाइम अभी हम जिस प्लैनेट अर्थ में रहते हैं वो अंदर से वो उसका जो अर्थ का जो क्रस्ट है यानी जो बीच के उसके एक जो मटेरियल है वो एक तो मैग्नेट है, बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट है, दूसरा उसके बाद जो अगली लेयर है ना उसकी वो लावा है। और जो हम जो जिस जगह पे हम रहते हैं ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स जिसको कहते हैं हम वो उस लावे पे बिछी हुई है, यूँ लावे के ऊपर तैर रही है, वो तैर तो नहीं रही एक्चुअली, वो फिक्स ही है काइंड ऑफ वो, लेकिन वो इतनी स्लो में तैर रही है कि वो हमें फील नहीं होता। और ये जो बड़े बड़े माउंटेंस फॉर्म होते हैं ये असल में कैसे, जो हिमालय फॉर्म कैसे हुआ, वो ऐसे फॉर्म होता है कि जो प्लैनेट अब बीच में आप मैग्नेट है, उसके बाद लावा है, उसके बाद हमारे हमारा जो ये मट्टी का और पत्थर का जो बना हुआ फॉर्म है वो ऐसे ही हूँ उसके ऊपर है। तो जब वो आपस में यूँ तैरते तैरते एक दूसरे के करीब आते हैं ना तो क्या होगा, ये दो प्लेटें करीब आ रही हैं एक दूसरे के और टकरा गई आगे, अब एक उसमें नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, एक उसमें ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, और ये ऊपर ऐसे जाता जाएगा वो नीचे जाता जाएगा, तो वो उससे पहाड़ फॉर्म हो जाता है, बड़े बड़े हिमालय इसी तरह फॉर्म हुआ। हिमालय को आप मैप में देखेंगे ना तो वो पूरी एक पट्टी, आपको ऐसा लगेगा एक प्लेट दूसरी प्लेट पर चढ़ रही है ऐसे, तो इस तरह से फॉर्म होते हैं वो पहाड़ असल में। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स उसी लावा के ऊपर हैं। तो वेल, तो सबसे शुरू में जब ये बिल्कुल खोलता हुआ लावा था, जब ये ज़ाहिर है कूल डाउन नहीं हुआ था तो ये खोलता हुआ लावा था, तो ज़ाहिर है वो लावा लिक्विड था, तो जो भी चीज़ें अर्थ के ऊपर मौजूद थी वो सारी ज़ाहिर है उसमें डूब गई, जो भारी थी वो ग्रेविटी से अंदर चली गई, जो भारी थी बीच में क्योंकि ग्रेविटी है दरमियान में क्रस्ट में, जो ग्रेविटी से बाकी चीज़ें कहाँ चली गई, डीप चली गई, इस अर्थ के प्लैनेट अर्थ में डीप अंदर चली गई, और जो लाइट थी वो ऊपर रह गई। तो ऊपर क्या रह गया, पत्थर, पानी, नहीं पानी तो खैर ऊपर नहीं है, पानी की अलग स्टोरी है, वो मैं बाद में बताऊँगा क्या है, अभी मतलब वो लंबी हो जाएगी बिलावल, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं जो, क्योंकि पानी ना ज़मीन के ऊपर ही है असल में, पानी जहाँ पे भी पानी है उसकी एक ज़मीन होती है नीचे, उसका नीचे एक तह होती है पानी की, ठीक है। तो पानी की अगली स्टोरी है, पानी कहाँ से आया कैसे आया वो अलग चीज़ है। तो वेल, तो ऊपर क्या रह गया, रेत रह गई, मट्टी रह गया, पत्थर रह गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्लैनेट अर्थ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उसमें सबसे लाइटेस्ट क्या है, पत्थर है। अब आप बोलेंगे यार ये लोहा कहाँ से आया, लोहा तो वैसे वजन करेंगे लोहे का मास ज़्यादा होता है, तो लोहा बाय द वे इस प्लैनेट का तो है भी नहीं, लोहा आता है एस्ट्रॉइड वगैरह जो गिरते हैं ना कि उससे मिलता है लोहा, लोहा जो है वो इस प्लैनेट का नहीं है, लोहा जो है वो एलियन मटेरियल है जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ मशीनें सब उसी से बन रही हैं, लेकिन वो असल में है एलियन मटेरियल। तो लोहा जो ऊपर ऊपर आपको दिखता है ना, जो थोड़ा सा 200-400 फीट खोदा तो लोहा निकल जाता है ज़मीन से, ये जो बहुत सारे दूसरे मेटल्स भी हैं, तो ये ज़्यादातर तो एस्ट्रॉइड्स हैं जो कहीं और से आके गिरे हुए हैं, ठीक है। और बाकी जो दूसरे मटेरियल्स हैं वो काफ़ी उसके लिए अंदर जाना पड़ता है, काफ़ी गहराई में जाके मिलता है। तो ये जो पत्थर है ये ज़मीन के क्रस्ट के टॉप पे खड़ा हुआ है, यही इस चीज़ का सबूत है कि ये सबसे लाइटेस्ट मटेरियल है। तो मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स को इक्वेशन में डाला और उससे एक नतीजा अखज़ किया कि यार पत्थर टॉप पे होते ही नहीं, अगर ये भारी होते तो ये डूब जाते अंदर चले जाते, तो ये टॉप पे है इसका मतलब ही क्या है, सबसे लाइट है ये। नहीं पानी से डेंस है ना, पानी लाइट है, पानी उससे भी लाइट है, पानी से तो ज़्यादा डेंस है ना, लकड़ी नहीं जाती, नहीं लकड़ी तो लेकिन फॉर्म ऊपर ही होती है ना, ज़मीन के ऊपर फॉर्म होती है दरख्त की सूरत में, लकड़ी कोई ऐसा तो नहीं है कि वो उस वक्त मौजूद ही नहीं होगी लकड़ी जब वो खोलता वाला आता था, लकड़ी तो बनी ही बाद में, जो दरख्त वगैरह बाद में फॉर्म हुए, ठीक है। लाइफ तो जब फॉर्म होती है ना, जब ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ठंडा होता है, फिर ठंडा होते 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 वो आइस एज में चला जाता है, आइस एज आता है ना उसके बाद, फिर ये पूरा एक एवोल्यूशन है जो साइंस इसको मानती है, साइंस जो किसी भी प्लैनेट का जो एवोल्यूशन होता है वो साइंस उसको इसी तरह मानती है। मिसाल के तौर पर मार्स के बारे में कहा जाता है कि मार्स अभी ठंडा हो रहा है, हुआ नहीं है ठंडा, या पता नहीं गर्म हो रहा है, कुछ हो रहा है, वायरल मार्स पे फिर आइस एज आएगा, पता नहीं क्या होगा,
ये वो कह रहे हैं मार्स को अगर एकदम गर्म कर दें, एकदम ठंडा कर दें तो मामला सेट हो जाएंगे, कह रहे हैं इसमें एटम बम मारते हैं थोड़ा एक दो, ठीक है। तो इस बारे में डिस्कशन चल रही है इनकी, एलन मस्क के वो आप पॉडकास्ट देखेंगे ना, वो यही बताता है कि भाई मार्स को अगर रहने के काबिल बनाना है ना तो उसको वो जो स्लो स्लो प्रोसेस है ना उसको तेज़ करना पड़ेगा हमें, तो जब भी फिर उसमें आइस एज आएगा फिर दोबारा लाइफ बनेगी, फिर पता नहीं क्या होगा, वो लंबी स्टोरी है उनकी। वेल तो हमने लॉजिक को ना इन जनरल ये समझने की कोशिश की कि लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम दो बातें करते हैं जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होती है। अचानक आवाज़ कम हो गई ना इसकी, हेलो हेलो, हाँ नीचे ना वॉल्यूम के बटन पे पैर लगता है ना मेरा, तो आवाज़ ऊपर भी हो जाती है नीचे भी हो जाती है इसकी। अच्छा तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो है लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं और उसमें क्या काम है लॉजिकल ऑपरेटर का। अच्छा आ जाते हैं। अच्छा बाय द वे इसको मैं कैसे शुरू करूँ, स्क्रिप्ट पहले तो बना देते हैं। अच्छा तो सबसे पहला जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो है लॉजिकल एंड, सही है। और लॉजिकल एंड को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एम परसेंट लगाते हैं दो बार, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। अच्छा लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है इसकी एक ट्रूथ टेबल है, इसकी क्या एक ट्रूथ टेबल है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बोला ना कि भाई अगर एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ अगर ये ट्रू है एंड दूसरा भी ट्रू है तो तीसरा भी ट्रू होगा। तो ये इसमें प्रोग्रामिंग में इस चीज़ को कैसे लिखेंगे हम, ट्रू एंड ट्रू इक्वल्स ट्रू। अब इसमें से अगर एक भी चीज़ फॉल्स हो जाए, यानी मिसाल के तौर पे या तो साइंस इस बात को मानने से इनकारी हो जाए कि नहीं ज़मीन मैग्नेट नहीं है, कल को हो सकता है प्रूव हो जाए कि ज़मीन मैग्नेट नहीं है कुछ और है, क्योंकि बाय द वे ये जो गालबन आइंस्टाइन ने, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन था ये, आइंस्टाइन या फिर शायद न्यूटन, उसने ये बोला था, न्यूटन तो खैर बहुत पुराना है ना, आइंस्टाइन नया वाला है, हाँ उसी ने बोला था ये, उसने बोला कि भाई अगर आपको ना एक कमरे में पैक कर दिया जाए, बंद कमरा लिफ्ट है काइंड ऑफ, और उसके अंदर ना 9.8 ग्रेविटी हो, तो आपके पास ना ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि ये ग्रेविटी है या 9.8 की स्पीड से वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है आपके पास। कमरे के अंदर से बैठ के आप ये पता नहीं लगा सकते, आपको बाहर आके देखना पड़ेगा कि चक्कर क्या है, ठीक है। तो मे बी ये एक आर्ग्यूमेंट मौजूद है, एक थ्योरी मौजूद है कि मे बी ये जो ग्रेविटी है ये असल में अर्थ मैग्नेट नहीं हो, मे बी अर्थ मूव कर रहा हो 9.8 की स्पीड से, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है, इसको प्रूफ करने के लिए फिर हमें वो मैग्नेट जो घूम जाता है खुद से, धागे से बांध के लटकाओ तो घूम जाता है, नॉर्थ साउथ बताता है हमें, तो ये सारी बातों को फिर डिनाई करना पड़ेगा और सबके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये थ्योरी अभी काफ़ी फार अवे है, मतलब कुछ लिखा जाता है कि चलो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्रेविटी हो ही ना, हो सकता है 9, तो पॉइंट तो हो सकता है कि कल को लोग ज़मीन को मैग्नेट मानने से इनकार कर दें तो क्या हो जाएगा, एक इसमें से फॉल्स हो जाएगा। एंड मैं पानी की बोतल छोड़ रहा हूँ, स्टिल नीचे जा रहा है वो दूसरा वाला ट्रू, तो इसका रिजल्ट फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मेरी बात यानी प्रूव नहीं हुई इससे, जो मेरी बात थी वो तो फॉल्स हो जाएगी कि भाई पानी की बोतल छोड़ने नीचे जा रहा है, लेकिन असल में ये मैग्नेट में नहीं चिपक रहा, ये तो 9.8 की स्पीड से ऊपर जा रहा है इसलिए नीचे जा रहा है, सब चीज़ें इसीलिए नीचे जा रही हैं, मैग्नेट का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल हम बना रहे हैं कि इस ये जो मेरी इक्वेशन है इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहला वाला ट्रू रहे लेकिन दूसरा फॉल्स हो जाए, फिर भी फॉल्स रहेगा। मिसाल के तौर पे अर्थ तो स्टिल मैग्नेट है लेकिन बोतल में छोड़ूं तो बोतल बीच में लटक जाए नीचे ना जाए, मे भी ऐसा हो जाए, अगर ऐसा होता है तो ये मेरा फिर भी फॉल्स निकलेगा रिजल्ट। अच्छा और लास्ट में ये होगा कि दोनों ही फॉल्स हो जाए, जो दो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मैंने डाले हैं अपने इक्वेशन में दोनों फॉल्स हो जाए तो फिर भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये पहला लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़ा। अच्छा आपको शायद अब ये भी समझ में आ गया होगा कि इसको ट्रूथ टेबल बोलते क्यों हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रोग्रामिंग यहाँ पे पहले पढ़ी होगी उनको पता ही नहीं होगा कि इसको ट्रूथ टेबल क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो असल में लॉजिक जो है ना वो ट्रूथ को ही बताने के लिए कि कोई चीज़ ट्रू है या नहीं है इसी के लिए लॉजिक दी जाती है। शुरू में आप मान रहे नहीं थे ना कि मैग्नेट प्लास्टिक में चिपकता है, तो उस ट्रूथ को आपको मैंने समझाया लॉजिक के ज़रिए। तो ये असल में ट्रूथ टेबल इसका नाम पड़ा ही इसी वजह से
क्योंकि लॉजिक इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, ये सारा इसी बारे में बात करते हैं। वो तो अर्थमेटिक का प्रॉब्लम है, लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है ये, वो तो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम है ना भाई। देखे माइनस माइनस प्लस ही होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस ही होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। हाँ मिसाल के तौर पे आपने कर्ज़ा लिया हुआ है किसी से, आपने कर्ज़ा लिया हुआ है किसी से, 10 रुपये कर्ज़ा लिया हुआ है, ठीक है, बहुत छोटा कर्ज़ा है, तो माइनस में ना आपका अकाउंट किस में, माइनस में, तो आपने और 10 रुपये कर्ज़ा ले लिया तो आप और माइनस में गए, लेकिन असल में आपका बैलेंस जो था वो प्लस हो गया, लिखा हुआ तो माइनस ही आएगा लेकिन हो तो प्लस गया ना वो, तो असल में ये रीज़न है उसका। वेल अभी वो अर्थमेटिक प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो, अभी ये वाला नहीं है। तो एक का माइनस दूसरे का प्लस होता है भाई, दोनों एक का माइनस दूसरे का प्लस होता है ना भाई, दोनों का तो माइनस नहीं होता ना। बैंक आपको जब कर्ज़ा देता है तो बैंक तो माइनस में जाता है लेकिन आप प्लस में आते हैं, फिर जब आप वापस देते हैं तो आप माइनस होते हैं वो प्लस होता है। तो एक का माइनस हमेशा दूसरे का प्लस ही होता है, ये रूल है शुरू से, ठीक है। मतलब हर मुल्क के लिए जो फौज लड़ रही है वो अपने आप में तो हीरो है ना, हमारे लिए विलन है ना, इंडिया वाले हमारे लिए विलन है, लेकिन अपने आप में तो वो हीरो है, वो तो समझ रहा है कि मैं हीरो हूँ, हमारे वाले समझ रहे हैं कि हम हीरो हैं, दोनों अपने आप को हीरो ही समझ के लड़ रहे हैं, कोई ये नहीं समझ रहा है कि हम विलन हैं, मैं जंग लड़ने आया हूँ और वो हीरो है मैं विलन हूँ, ऐसा कोई समझ के नहीं लड़ रहा, ठीक है। तो हर बंदा अपने आप में तो हीरो ही चल रहा है, लेकिन एक का प्लस हमेशा दूसरे का माइनस होता है। अगर हम जीतेंगे ना तो हीरो हम बनेंगे, लेकिन वो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो जीतेंगे तो वो हीरो होंगे, फिर हम ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है भाई। थे आज तक कोई माना नहीं है कि जंग हारने के बाद ना, आज तक कोई भी माना नहीं है। जैसे 1965 की जंग हम कहते हैं ना हम जीत गए, वो भी मनाते हैं, कहते हैं हम जीते थे मान वो भी नहीं रहे कि हम हारे हैं। इसी तरह वर्ल्ड वॉर टू में भी जर्मनी कहता है मैं जीता था और अमेरिका कहता है मैं जीता हूँ। जर्मन भी मनाते हैं उसके दिन को, जर्मन मूवीज़ देखेंगे या फ्रेंच मूवीज़ देखेंगे ना तो उसके अंदर अमेरिका विलन होता है। हाँ अमेरिका ऐसा विलन होता है उसमें उड़े भाई, और बहुत चीज़ें सच भी दिखाते हैं वो, जो जाहिर है ये नहीं दिखाएंगे हमें, इनकी बात क्यों बताएंगे। और इनकी जो मूवीज़ होती हैं उसमें वो ज्यूज़ और ये जर्मन सारे ये विलन होते हैं। हर एक का माइनस दूसरे का प्लस होता है। हाँ वो नाजी फौज ना, ज्यूज़ ही तो था वो, हिटलर ज्यूज़ था भाई, पता नहीं बहरहाल इस तरह का कोई केस था, ज्यूज़ ही सारे थे वो, हिटलर ज्यूज़ नहीं था। नहीं अभी भी मैं रिसेंटली एक मूवी देख रहा था, उसका क्या नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, वॉर लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ वॉर इस तरह कुछ नाम है उसमें। किसी भी मूवी में ना अगर हॉलीवुड को किसी को बाद में विलन बनाना होता है ना आखिर में, तो शुरू में उसकी डिस्क्रिप्शन क्या बताते हैं कि ये फला फला टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू में ये ज्यूज़ था, ज्यूज़ माइग्रेट करके आए थे इधर, असाइलम लिया था, इस तरह बताते हैं, ठीक है। तो ज्यूज़ भी है उधर से आए हुए सारे, वही इधर बोलते हैं कि सारी दहशतगर्दी वही कर रहे हैं, या उसको बताते हैं कि भाई पीछे इसका ताल्लुक कहीं जर्मन कहीं फ्रेंच से था, तो वो आखिर में उसको दिखाते हैं वो फुल बड़ा विलन बन जाता है, मतलब गने वने बेच रहा होता है, पूरी नेशन की नेशन तबाह हो जाती है उसकी वजह से। तो वो उसको वो अमेरिकन नहीं बताते, शुरू में ही उसको बताते हैं कि ये ज्यूज़ था और वहाँ से इधर आया हुआ था, ये इसकी फैमिली वहाँ से इधर आके असाइलम लिया था उन्होंने शुरू में उसकी, और बड़े गरीब होते हैं शुरू में वो। वेल तो हमने ये ट्रूथ टेबल देख ली पहली। अच्छा अब क्या होगा, ये ट्रूथ टेबल हमारी कहाँ पर लगेगी, इफ़ जब हम डिसीजन लेंगे ना, डिसीजन तो हम बोलेंगे इफ़, और इफ़ के अंदर की। अच्छा एक चीज़ और अभी मैं बताना भूल गया इसमें, देखो गौर से इस चीज़ को समझना, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसको एक साइड पे चाहिए बूलियन और दूसरी साइड पे भी चाहिए बूलियन। कंपैरिजन ऑपरेटर को भी यही चाहिए होता था, कंपैरिजन ऑपरेटर को क्या चाहिए होता था दोनों साइडों पे, हैं दोनों साइडों पे क्या चाहिए होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, कुछ भी चलेगा, सही है, सिर्फ बूलियन की बात नहीं है तो कुछ भी चलेगा। नंबर भी कंपेयर कर सकते हैं आप, स्ट्रिंग भी कंपेयर कर सकते हैं और नंबर स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, हमने ये बड़ा डिटेल में लास्ट टाइम देखा है, ठीक है। तो उसको उसमें ये लिमिट नहीं है कि एक साइड पे बूलियन दूसरा, उसमें ये लिमिट नहीं है। अच्छा इसी तरह प्लस माइनस को क्या चाहिए दोनों साइडों पे, नंबर चाहिए, नंबर के अलावा तो कुछ नहीं दे सकता मैं, स्ट्रिंग दे तो सकता हूँ, ठीक है, कौन कैंडिडेट करेगा, ठीक है। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर चाह रहे हैं उसमें सिर्फ प्लस है जिसको नंबर स्ट्रिंग दोनों देते, बाकी सबको सिर्फ नंबर ही देना होता है, अदरवाइज वो एरर दे देता है।
ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि चलो प्लस को भी नंबर देते हैं, तो ये जो है ना इसको हमें दोनों साइड पे क्या देना होता है, बूलियन देना होता है, लाजमी लाजमी है इसको कि मैं बूलियन दूँ इसको। अगर मैं इसको बूलियन नहीं दूंगा दोनों ऑपरेंड्स में, बूलियन के अलावा कुछ और दूंगा, तो ये क्या करेगा, उसको पार्स नहीं करेगा, ये कुछ और करेगा। वो क्या करेगा वो हम थोड़ी देर में देखते हैं अभी, ठीक है। ये मैं शुरू में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बाकी ऑपरेटर्स ये थोड़ा मुख्तलिफ है इस केस में। बाकी ऑपरेटर्स में क्या होता था कि अच्छा यार नंबर नहीं है तो नंबर में पार्स, बूलियन नहीं है तो बूलियन में पार्स। जैसे इफ़ है, इफ़ को क्या चाहिए होता है बीच में, बूलियन चाहिए होता है। इफ़ को कंपैरिजन ऑपरेटर से किसी से भी डायरेक्ट लिख दो आप तो बूलियन चाहिए होता है, तो अगर नहीं मिलता तो पार्स करता है वो, ये पार्स नहीं करता। लॉजिकल ऑपरेटर को अगर बूलियन ना मिले तो वो उसको पार्स नहीं करता। ये अभी एंड ऑपरेटर की बात हो रही है, इसमें तीन है टोटल असल में, तो एंड और दोनों में ये पार्स नहीं करता। नॉट वाला फिर हम बाद में देखेंगे उसमें क्या होता है। अच्छा, फिर इसका जो रिजल्ट होता है वो भी हमेशा बूलियन होता है। इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, बूलियन होता है। जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट बूलियन होता है, वैसे इसका भी बूलियन होता है। तो आमतौर पे ज़्यादातर लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, सेट ऑफ कंडीशंस में। कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, सेट ऑफ कंडीशंस में, कि भाई ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो तब एफ चलना चाहिए, ठीक है। इसमें एंड ऑपरेटर लगेगा कि दो कंडीशन हैं, कहते हैं यार ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो तो एफ चलना चाहिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर बंदे ने बोला कि लेट वेदर और टेम्परेचर, टेम्परेचर इक्वल टू 25। अच्छा, तो अब हमने ज़रा लॉजिक के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये वेदर प्लेजेंट है या नहीं है। लॉजिक के ज़रिए कैसे पता लगेगा, लॉजिक के ज़रिए मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी अगर बात बताऊँ तो मेरे लिए अगर 25 तक अगर है ना टेम्परेचर तो मुझे जैकेट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। 25 तक, अगर 25 से एक भी नीचे है ना, 24 हो गया अगर, तो फिर मुझे ना बाइक चलाते हुए मुझे जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली मेरा पता है, हर किसी का थोड़ा थोड़ा शायद डिफरेंट भी हो सकता है मे बी। तो अच्छा, 20 तक अगर है तो मुझे सिर्फ बाइक चलाते हुए जैकेट चाहिए उस, मतलब ऐसे अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो अभी मुझे ऐसे जैकेट नहीं चाहिए। अगर 20 से नीचे हो जाता है, या 18 से बल्कि 20 से नहीं, 18 से अगर नीचे हो जाता है तो मुझे फिर बैठे हुए भी जैकेट चाहिए। ये वैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर टेम्परेचर 18 से बड़ा है और 25 से नीचे है, यानी 25 या उससे नीचे है और 18 या उससे बड़ा है, इस रेंज में अगर है तो इसका मतलब क्या है, वेदर प्लेजेंट है। प्लेजेंट का मतलब ये है कि मतलब ठंडा है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसको मैं लॉजिक में कैसे लिखूंगा, इफ़ के अंदर मैंने कहा इफ टेम्परेचर बड़ा है 18 से, ठीक है, यानी 19 है। अच्छा, तो ये तो 18 से बड़ा तो फिर 32 भी होता है ना, 32 भी होता है। हाँ, ये लो बड़ा हो गया, गलत लगा दिया मैंने। तो अगर टेम्परेचर 18 से बड़ा है तो 18 से बड़ा तो 54 भी होता है ना, 54 प्लेजेंट तो नहीं होगा। मैंने कहा एंड 18 से छोटा भी हो, एंड साथ में क्या हो, टेम्प हो लेस देन 25, ठीक है, बल्कि 26, क्योंकि 25 तक सही है ना। तो ये मैंने एक रेंज सेट कर दी, ठीक है, चलो बल्कि उसको राउंड फिगर में कर देते हैं, 20 और 25 कर देते हैं, 20 सही है राउंड फिगर, ताकि वो ज़्यादा छोटी सी डिबिया पे जोर ना पड़े। हाँ, बस सही है, अभी मैंने राउंड फिगर कर दिया 20-25, ये 5 डिग्री है ना बीच की, ये प्लेजेंट है। तो मैं हाँ वो भी लगा सकते हैं, अभी सिंपल रखना चाह रहा हूँ। देखो, ये एक कंडीशन है, अगर टेम्परेचर 20 से बड़ा है एंड 25 से छोटा है, तो इससे रिजल्ट मैंने क्या निकाला कि वेदर प्लेजेंट होना ही चाहिए, ये रिजल्ट निकाला मैंने, सही है ना। अगर इसमें से एक भी बात फॉल्स हो गई
तो फिर ये रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा कि वेजल प्रेजेंट नहीं है. तो मैंने यहाँ क्या बोला, मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग योर वेदर मस्ट बी प्लेजेंट. ठीक है, प्लेजेंट की स्पेलिंग पता नहीं क्या है, गलत लिखी है मैंने, छोड़ो खैर. अच्छा क्विक फिक्स, अच्छा पी एल ई ए होता है, प्लीजेंट. कैरी जैकेट वैन राइडिंग. ये मैंने बात एक अखज़ कर ली इससे. मैंने कहा अगर ये भी बात ट्रू है और ये भी बात ट्रू है, दोनों अगर ट्रू है, तो तीसरी जो बात है ना कि वेदर प्लेजेंट है, ये ट्रू होना ही चाहिए. ये लॉजिक के ज़रिए पता चला है. अच्छा अगर एक फॉल्स हो जाता है इसमें, यानी ये वाला फॉल्स हो जाता है, वेदर जो है बड़ा है 20 से, ये फॉल्स हो जाता है, तो इसका मतलब है कि कोई माइनस माइनस में भी हो सकता है, शायद 18 हो 12 हो कुछ, तो फिर फॉल्स हो गया. अच्छा अब मुझे पता लगाना है कि अच्छा अब मैं क्लासीफाई इसको कर रहा हूँ, तो तीन चार क्लासिफिकेशन हो सकती है. एक तो ये है ना कि भाई वेदर लुक प्लेजेंट कैरी जैकेट वैन राइडिंग, लेकिन वो वाला कौन सा होगा कि जिसमें मुझे जैकेट भी कैरी ना करना पड़े. तो मेरे लिए जो वो वाला होता है ना, वो होता है 26 से लेके 30 तक, शायद 30 तक अगर टेम्परेचर है ना तो मैं उसमें सही रहता हूँ, उसके बाद मीटर हो जाता शार्ट. सही है, दिमाग काम नहीं करता, समझ में नहीं आता कुछ, और कुछ कुछ क्रिएटिव हो नहीं पाता. जब 30 से ऊपर चला जाए ना टेम्परेचर सराउंडिंग का, तो फिर ना कुछ कुछ हो नहीं पाता, बस ऐसे ही इधर उधर देखते देखते दिन गुजरता है. गर्मियों में आप सब लोगों को पता है, सबके साथ ये होता ही होगा किसी ना किसी लेवल पर, जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि यार क्या हो रहा है. तो 30 तक अगर हो ना मेरे सराउंडिंग में, देखो जैसे अभी यहाँ पर 28 है काइंड ऑफ, तो कितना प्लेजेंट है, ऐसे में अच्छा लगता है ना, पढ़ने का दिल भी करता है, पढ़ाने का दिल भी करता है. तो 20 जो मेरा स्वीट पॉइंट जो है, वो कहीं ना कहीं 30 और 25 या 26 से लेके 30 के बीच में कहीं है, कि वो एक स्वीट वेदर होता है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कैरी भी नहीं करना है, आप सही भी रहते हैं, ओके रहते हैं, आपको कोई ब्लैंकेट कोई भारी कपड़े कुछ भी नहीं पहनना. ठीक है, तो मैंने कहा कि एल्स इफ, एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं. मैंने कहा कि टेम्प अगर क्या है, 25 तक तो मैंने वहाँ बता दिया, अब मैंने कहा कि टेम्परेचर अगर बढ़ा है 25 से या इक्वल है 25 के, ठीक है, क्योंकि वो उसमें इक्वल नहीं आया, उसमें वो 24 तक ले रहा था ज़ाहिर है क्योंकि एक कम था. तो मैंने कहा कि भाई बढ़ा है अगर 25 से और क्या है, एंड टेम्परेचर अगर छोटा है किससे, 31 से. ठीक है, 25 से अगर बढ़ा है और 31 से छोटा है, तो ये वाला क्या है, ये वाला भी क्या है, कॉन्सोल डॉट लॉग योर वेदर इज क्वाइट नॉर्मल. ठीक है, योर वेदर लुक्स क्वाइट नॉर्मल, इज नहीं. ठीक है, इसमें कभी भी इज नहीं होगा, लुक्स क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि इज तो फिर एस्टेब्लिश ट्रूथ वाली बात हो जाएगी ना, एस्टेब्लिश ट्रूथ नहीं है, जस्ट लॉजिक है. सही है, कभी ये ट्रू होगी कभी फॉल्स भी होगी, और हर बंदे का ये होता भी अलग अलग है भाई. तो कुछ बंदों को शायद 31 में बड़ा मज़ा आता हो, 31 हो जाए बोलते वाह क्या वेदर है. हाँ मैंने देखे हैं कुछ ऐसे लोग, एक दफ़ा मैं गया था बलूचिस्तान की तरफ ना, जानवर खरीदने गए थे, तो वहाँ पे एक बंदा मुझे मिला, उसको मैंने कहा यार बहुत ख़तरनाक धूप है वहाँ, टेम्परेचर ऐसा हुआ था, एक तो बारिश हुई थी एक दिन पहले, तो ज़मीन में क्योंकि पानी था और वो एवेपरेट हो रहा था पानी, तो बिल्कुल खोल रही थी वो जगह, और अच्छी खासी यानी धूप थी वहाँ पर, और बिल्कुल खुला था, कोई छाँव थी नहीं, वो मैदान में उन्होंने बाज़ार लगाया हुआ था. तो हम लोग तो बेहोश होने वाले हो गए थे, पानी की बोतलें खरीद खरीद के चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन प्यास नहीं बुझी, और सर ऐसे गर्म हो जा रहा था सर. अच्छा वहाँ वाले बंदे बड़े मज़े से घूम रहे हैं, मैंने कहा तुझे गर्मी नहीं लग रही, हमारे साथ एक बंदा गया था वो वहीं का रहायशी है, हमारे साथ गया हुआ था, वो कह रहा है मुझे तो बड़ी पसंद है धूप, कह रहा है मैं तो मेरे से 8 घंटे खड़े करवा लूँ धूप में, मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है. मैंने कहा समझ में आ गया तेरी खूबसूरती का राज क्या है. थोड़ा कलर उसका डार्क है, मैंने कहा आज पता चला क्या कौन सी क्रीम इस्तेमाल करता है. तो बाय द वे
ये अक्सर इस वेदर की जब टेम्परेचर की बात होती है ना, अक्सर मुझे ये बात याद आ जाती है। गोरे है ना, गोरे उनसे पूछो ना कि वेदर कौन सा पसंद है, वो कहेंगे समर, आई लाइक समर्स। वाह समर। तो मेहर बड़ी खटकती थी ये बात की, यार क्या ये समर का क्या चक्कर है इनमें। तो एक दफ़ा वैसे तो क्लाइंट से कभी बात होती है ना लंबी, तो फिर वो इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अब उससे मैं वो डिटेल में नहीं पूछ सकता। तो एक दफ़ा ना मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था लिबनान से, तो उससे भी बात निकल गई पढ़ते पढ़ते बीच में, यार टेम्परेचर शायद यही टॉपिक पढ़ रहे होंगे, मे बी कुछ हुआ हो इस तरह। उसने भी बोल दिया कि यार आई लाइक समर्स। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है भाई। कि हम ही डिप्रेस चल रहे हैं क्या समर, हम तो पूरा टाइम ही समर चलता है हमारे पास, हमें क्यों नहीं पसंद है। मैंने कहा कि समर क्यों पसंद है भाई, मेरा दिल तो जल गया था पूरा, क्योंकि यहाँ उस वक्त हुआ था 38 डिग्री, सही है, उस टाइम हीट स्ट्रोक चल रहा था यहाँ पे, मेरा दिल तो बहुत जल के बिल्कुल कबाब हो गया था। लेकिन मैंने फिर भी पूछा उससे भाई क्यों पसंद है। उसने कहा यार जैकेट वैकेट नहीं कैरी करनी पड़ती, थोड़ा मतलब लाइट कपड़े भी पहन सकता है बंदा, और ट्रैवल करने के लिए कोई इशू नहीं रहता, दिन बड़े होते हैं लंबे होते हैं दिन, समर्स हॉलीडेज होती हैं, कहीं मतलब पिकनिक करते हैं हम समर में, सब सुन लिया मैंने। ऐसा सही है भाई, मैंने कहा यहाँ तो सारा साल ही समर रहता है भाई, हम तो नहीं करते ये सब कुछ, मतलब इतना खुश कौन है यार अपनी ज़िंदगी में कि समर आया तो गर्मी आई तो पिकनिक पे जा रहे हैं। अरे भाई होते होंगे भाई, पता नहीं बंदे खुश। वेल तो फिर आखिर में बात, मैंने कहा आप आज मैंने ये पूरा क्लियर करूँगा, मैंने कहा कितना समर कितने डिग्री। उसने कहा 23-24 तक हो तो स्वीट पॉइंट। फिर मेरे कुछ ना समझ में आना शुरू हुआ कि अच्छा ये चक्कर है। मैंने कहा कड़क गर्मी सख्त गर्मी। उसने कहा 26। और मैंने कहा सर्दी। उसने कहा -10। मैंने कहा -10 में तो बंदे ही मर जाते हैं यहाँ पे। -10 लास्ट टाइम जब हुई थी 10 हुआ भी नहीं था भाई, जब वो पता नहीं -2-3 हुआ था तो कितने लोग मर मर गए थे, बड़े ख़तरनाक। हमारे यहाँ तो सर्दी होती है 25 डिग्री, हाँ कभी भी नहीं होता इतना। तो मैंने कहा फिर तो ये गर्मी मुझे भी पसंद है। मैंने कहा 23 डिग्री 24 डिग्री ये तो गर्मी मुझे भी पसंद है, आई लाइक समर टू। तो ये उस दिन जो है ना ये मोम्मा हल हुआ कि गोरों को गर्मी क्यों पसंद होती है, क्योंकि उनकी गर्मी होती ही 24 डिग्री है, और हमारे लिए क्या होती है, वो सर्दी होती है हमारे लिए। तो भाई हमारे तो जैसे ही 25 डिग्री होता है घर में रज़ाइयाँ निकल आती हैं सारी, ठीक है। अच्छा एक और मैं कंडीशन चेक लगाता हूँ, अब मैं करना चाह रहा हूँ कि सख्त सख्त गर्मी कौन सी होगी। इसमें क्या लॉजिक की ज़रूरत है मुझे, एल्स इफ टेम्परेचर अगर बड़ा हो जाए 30 से अगर ऊपर हो जाए, 30 से अगर ऊपर हो जाए और तो सख्त गर्मी कहाँ तक है, आगे कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें मज़ीद लॉजिक लगाने की। ये चीज़ ये जो लास्ट वाला है ना ये इस्टेब्लिश है कि यार 30 से अगर ऊपर है तो गर्मी है, सबके लिए गर्मी है, गोरे काले सबके लिए गर्मी है। तो मैंने इसमें मुझे लॉजिक वॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम हर जगह ही लॉजिक अपनी लगाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो इस्टेब्लिश ट्रूथ है उसमें मुझे ये एंड वेंड ये सब लगानी जरूरत, वो बस इज इक्वल टू दैट तो दैट, अगर लेस देन दैट तो दैट, ठीक है। मिसाल के तौर पे -10 सबके लिए सर्दी है, -10 में कोई दो राय नहीं है। अच्छा योर वेदर इज हॉट बी केयरफुल, ठीक है 30 से ऊपर है तो बी केयरफुल। अच्छा अब मैं ज़रा पता लगाना चाह रहा हूँ कि इस कितने से नीचे जो है वो क्या है, सर्दी ज़्यादा है तो मैं एक एफ और लगा देता हूँ ऊपर, एक मैंने एल जेफ ने टॉप पे इजाफा किया है, और मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर अगर किससे हो जाए छोटा हो जाए 20 से तो इट्स कोल्ड आउटसाइड बी केयरफुल, ठीक है। शायद 20 से कम में तो केयरफुल नहीं होते, शायद 10 से कम में होते होंगे। वेल अभी हम थोड़ा शॉर्ट रखना चाह रहे हैं अपने मामला को, ठीक है। मैंने कहा कि भाई इट्स कोल्ड आउटसाइड, ठीक है जी। तो ये मैंने लॉजिक की दो एग्जांपल लिखी,
एक ये और एक ये, हमने लॉजिक के ज़रिए पता लगाया कि भाई उसका वेदर प्लेजेंट होगा, अगर टेम्परेचर इतने से कम है और इतने से ज़्यादा है तो प्लेजेंट होगा। अच्छा एक ऑपरेटर और भी है, ये समझ आ गया एंड वाला ऑपरेटर, के एक तरफ उसको मिलेगा ट्रू और दूसरी तरफ अगर उसको मिलेगा ट्रू तभी वो ट्रू होगा, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स। अच्छा अब एक हमारे पास जो है ना, ये तो हो गया हमारे पास लॉजिकल एंड, इसको सबको मैं रोक देता हूँ, और अब हमारे पास एक है लॉजिकल और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डबल पाइप साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पाइप साइन कौन से बटन पे होता है, जो एंटर के साथ वाला बटन है ना, जिस पे बैकवर्ड स्लैश होता है, बैकवर्ड स्लैश वाला बटन अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये पाइप साइन आ जाता है, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा इसमें क्या होता है, ये अपोजिट है एंड, लॉजिकल एंड का अपोजिट है ये, इसको हम कहते हैं लॉजिकल और। ये क्या करता है, अगर एक तरफ ट्रू है और दूसरी तरफ ट्रू है तो ये ट्रू रहता है, एक तरफ फॉल्स है दूसरी तरफ ट्रू है तो भी ये ट्रू रहता है, और अगर एक तरफ ट्रू है दूसरी तरफ फॉल्स है तो भी ये ट्रू रहता है। जब दोनों तरफ फॉल्स होता है ना, ये सिर्फ जब फॉल्स होता है, दोनों तरफ अगर फॉल्स हो जाए तो ये फॉल्स होता है। अच्छा अब बताओ ज़रा, ये वाली लॉजिक जो है आमतौर पर हम रियल लाइफ में कब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ऑपरेटर दोबारा, और ऑपरेटर ये है कि और ऑपरेटर को भी दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, दोनों बूलियन चाहिए होते हैं, और जब दोनों फॉल्स होगा ना जब ही उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, कोई एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू है। इसमें अपोजिट था ना, इसमें अपोजिट था कि कोई एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स है, दोनों ट्रू होना ज़रूरी है, इसमें किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है। आप नोट करें इस चारों के अंदर, इस ट्रूथ टेबल में कोई एक भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट उसका ट्रू आ जाता है, ये इसके ट्रूथ टेबल है। बताओ जरा रियल लाइफ की कोई ऐसी बात इसकी। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में अक्सर ये होता है कि या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। जी दोस्त, क्या दोनों हो तो चने की दाल हो तो ले आना, मुर्गी हो तो ले आना। हाँ भाई और बताओ, बिल्कुल सही बता रहा है, सही बताया। एक दो मैं भी बता दूंगा लेकिन ज़रा आप लोगों से सुनना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर समझ आया है आपको जो मैं बात बता रहा हूँ, अगर वो समझ आई है तो कुछ ना कुछ बोलेंगे फिर आप। अच्छा बातें तो इन्होंने बिल्कुल सही, सबने सही बोली, लेकिन एक चीज़ अभी भी कोई नहीं बोल रहा। असल में क्या करना है कि दो फैक्ट लेके एक तीसरा फैक्ट हमें रिजल्ट निकालना था, असल में करना ये था, यही हो रहा है ना यहाँ पे, कि एक ग्राउंड, दो ग्राउंड रियलिटीज़। हमने कहा कि अगर मैग्नेट है और अगर वो नीचे गिर रहा है, मैग्नेट की तरफ जा रहा है, तो वो चिपक रहा है मैग्नेट में, तो ये वाली चीज़ हम ये वाली चीज़ की एग्जांपल मैं सुनना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे आज आप आए क्लास लेने आए, अब आप इमेजिन करें आप क्लास लेने से एक घंटे पहले आप घर में बैठे हुए, आपको ये पता लगाना है कि आज क्लास है या नहीं है, आपको पता नहीं है लेकिन आपको पता लगाना है कि आज क्लास है या नहीं है। तो मिसाल के तौर पे अगर आज स्ट्राइक है या लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लॉकडाउन अल्लाह ना करे दोबारा हो, गलती से मुंह का नाम आ गया मेरे तो, और मैच भी है, ठीक है, या दोनों में से कोई एक चीज़ ना, चलो कुछ और सोचते हैं, ये लॉकडाउन वॉकडाउन बात नहीं करते हैं। बारिश हो रही है या पूरे कराची में लाइट बंद है, दोनों में से कोई एक भी चीज़ ट्रू हो गई तो क्लास नहीं होगी फिर आपको, सही है। अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अच्छा दोनों ही हो रही है तो ऑफ कोर्स
दोनों में से कोई एक भी अगर हो जाए, मिसाल के तौर पे चलो और कोई बताते हैं, अगर पावर फेलियर हो जाए कैंपस में या मैं ना हूँ, दोनों में से कोई एक भी चीज़ ट्रू हो गई तो क्लास नहीं है फिर। यानी आपको किसी थर्ड पार्टी सोर्स से पता चल गया कैंपस में लाइट नहीं है, तो इसका मतलब है क्लास नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? क्लास नहीं होगी, आपको पहले ही पता है, क्योंकि क्लास के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, लाइट की, एसी की, इन चीज़ों की ज़रूरत है हमें, ठीक है। अच्छा, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का दोस्त ने जिक्र किया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी समटाइम ये होता है कि या तो ये हो या तो वो हो, तो वो भी एक्चुअली लॉजिक होती है कि भाई या तो बंदा ग्रेजुएट हो या तो 18 साल से कम हो, इस तरह की लॉजिक्स अक्सर लगाई भी होती हैं उन्होंने। तो ये हमने लॉजिकल और को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। लॉजिकल और हम कैसे लगा रहे होते हैं, ये ज़्यादातर ना वैलिडेशन वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अब लेट बंदे ने बोला कि एज 30, ठीक है, और एजुकेशन इक्वल्स टू 16, 16 का मतलब है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि ग्रेजुएट। मैंने कहा कि अगर एज क्या हो जाए, लेस देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए 18 के, और क्या हो जाए, एजुकेशन क्या हो जाए, इक्वल्स हो जाए, ग्रेटर और इक्वल्स हो जाए, असल में ग्रेटर और इक्वल्स के 16 या उससे बड़ा कोई भी हो सकता है, 16 हो जाए, दोनों में से कोई एक भी बात हो जाए, तो आप बोलोगे console.log यू आर एलिजिबल, ठीक है। अब ये असल में दोनों ना यूज़र के इनपुट है, अभी तो मैंने हाथ से लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि यूज़र इनपुट है, ये हर दफ़ा अलग अलग आएगा। जैसे कोई ऐप बनी हुई है, एलिजिबिलिटी जानने की ऐप है, दो चीज़ें वो पूछती है और आपको बता देती है आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो वो ये और का ऑपरेटर है। अच्छा, और के ऑपरेटर में या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए, एज, हाँ एज, तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए ना, तो वो क्या करेगा, वो अल्टीमेट रिजल्ट ट्रू निकालेगा, और अल्टीमेट रिजल्ट ट्रू निकालने की वजह से इफ चल पड़ेगा, क्योंकि इफ को ट्रू मिलता है तो इफ चल जाता है, फॉल्स मिलेगा तो इफ नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमने और के ऑपरेटर को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश की। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अब और से आप समझ लें, अगर इसको पहला वाला ही ट्रू मिल गया, और का ऑपरेटर लगा हुआ है ना, तो पहला वाला अगर इसको ट्रू मिल गया तो ये दूसरे वाले को चेक नहीं करेगा, दूसरे वाले को चेक नहीं करेगा, रिगार्डलेस वो दूसरा वाला चेक करने का फायदा ही नहीं है, वो ट्रू हो फॉल्स हो अल्टीमेट रिजल्ट ट्रू है, ऑब्वियस बात है ना ये, कि अगर पहला ट्रू मिल गया तो वो अगले को क्यों चेक करेगा उसकी जरूरत। तो वैसे ही सुनने में माइनर डिटेल लग रही है, छोटी सी बात लग रही है कि वो अगर पहला मिल गया ट्रू तो दूसरे को चेक नहीं करेगा, ये सुनने में छोटी सी डिटेल लग रही है, लेकिन असल में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है आगे, जो हम आगे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, कि वो सेकंड वाले को चेक नहीं कर रहा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसको भूलिएगा मत, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ऑन अदर हैंड अगर यही चीज़ हम किस में देखें, एंड ऑपरेटर में, ठीक है, एंड ऑपरेटर में अगर पहला वाला ट्रू हो गया तो दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा ना, उसको दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा कि यार दूसरा ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि सारे ट्रू होंगे जब ही तो रिजल्ट निकलेगा, तो ये एंड और मुख्तलिफ हैं। अच्छा, लेकिन इमेजिन करें अगर एंड में पहला वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो क्या उसको सेकंड चेक करना चाहिए, क्योंकि एंड ऑपरेटर में तो कोई एक भी फॉल्स, तो अल्टीमेट रिजल्ट फॉल्स है। तो हमने क्या देखा कि अगर पहला वाला फॉल्स हो गया तो ये आगे चेक नहीं करेगा, ठीक है, पहला वाला ट्रू होगा जब ही अगले को करेगा, फिर अगले को करेगा, फिर अगर 4-5 है ना, तो कोई भी बीच में एक फॉल्स हुआ तो ख़त्म वहीं पर, आगे चेक नहीं करेगा, क्योंकि आगे चेक करने का सेंस ही नहीं बनता, अल्टीमेट तो फॉल्स ही निकलेगा। अच्छा, इसी तरह इसमें जो है, अगर पहला वाला ट्रू है तो आगे को चेक नहीं करेगा, लेकिन अगर पहला फॉल्स है तो उसको आखिर तक जाना है यार, क्योंकि बीच में कोई एक भी ट्रू है तो अल्टीमेट रिजल्ट ट्रू है ना, यही तो है इसके अंदर। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप अगर नोट कर रहे हो, ठीक है।
ये छोटी सी डिटेल लग रही है लेकिन अभी आगे इसका रोल होने वाला है। अच्छा छोटा सा मैं एक बल्कि इसका बता ही देता हूँ हाथ के हाथ। बताता हूँ अभी ये मुझे भूल ना जाऊँ बस मैं। अच्छा एक है उसके बाद लॉजिकल नॉट, और लॉजिकल नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं इससे नॉट के साइन से, राइट। इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो क्या है, फॉल्स इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये जो लॉजिकल नॉट है इसको दो ऑपरेंड नहीं चाहिए होते, ये है यूनरी ऑपरेटर। क्या है ये, एक था बाइनरी ऑपरेटर जितने भी हम पढ़ रहे थे पहले कि दोनों साइड ऑपरेंड चाहिए, सिर्फ प्लस है उसको टू प्लस और फिर टू भी चाहिए दोबारा, या टू प्लस फोर चाहिए, सिर्फ टू पे प्लस नहीं हो सकता, बाइनरी ऑपरेटर है। अच्छा एक हमने पढ़ा था प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है वो यूनरी था, ये एक और आ गया, ये यूनरी ऑपरेटर है। तो इसको चाहिए एक ही साइड पे ऑपरेंड, दो दो नहीं चाहिए। अच्छा तो किसी भी वैल्यू पे अगर वो फॉल्स है, उस वेरिएबल में फॉल्स है, उसको मैं नॉट लगा दूं तो वो क्या हो जाता है, वो ट्रू बन जाता है, ठीक है। और अगर ट्रू हो उस पर नॉट लगा दूं तो वो फॉल्स बन जाता है, ठीक है। अच्छा इस वाले को अगर ट्रू की जगह यानी बूलियन की जगह कोई और वैल्यू मिली तो पार्स करेगा ये। मिसाल के तौर पर मैं इसको बोलूँगा कि एक वेरिएबल है मेरे पास लेट इज ओपन, ठीक है ट्रू, ठीक है इज ओपन अगर ट्रू है तो। अच्छा कोई बंदा अगर गेट ओपन करने की कमांड देता है तो मैं क्या चेक करूँगा, मैं कहूँगा इफ नॉट इज ओपन, पहले से अगर ओपन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या था ट्रू था, ट्रू है ना, अभी नॉट लग गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स होता नॉट लगता तो ट्रू हो जाता। मैं उसको बोलता हूँ कि इफ नॉट ओपन तो क्या कर दो, ओपनिंग द डोर, सही है। यहाँ पे कोई फंक्शन है कि भाई डोर ओपन हो जाए, हाँ अभी तो ट्रू है ना, पहले से ओपन है ना, तो दोबारा क्यों होगा, पहले से ओपन है तो ये ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पहले से अगर ओपन है तो दोबारा ओपन उसको ना, क्योंकि आमतौर पर गेट जो ओपन होता है उसमें मोटर लगी हुई होती है, अगर वो पहले से ही ओपन है मोटर दोबारा घुमाएंगे तो वो चेन तोड़ताड़ देगा, उसको लगेगा गेट जाम है वो खींचेगा वो टूट जाएगा मे बी। तो वेरिएबल एक मुझे पहले से ही बता रहा है कि क्या है ये ट्रू है ओपन, अगर किसी ने ओपन करने की कमांड दी है तो मैं उसको कैसे चेक करूँगा, इफ नॉट इज ओपन, ठीक है इज ओपन पता है ना सबको, बूलियन वेरिएबल के साथ इज लगता है शुरू में, कन्वेंशन है लोग लगाते हैं उससे पता चलता है कि ये बूलियन वेरिएबल है, ठीक है। तो नॉट आमतौर पर इस तरह की जगहों पर इस्तेमाल होता है, नॉट का जो ट्रूथ टेबल है वो क्या है, फॉल्स पे लगेगा तो ट्रू बन जाएगा, ट्रू पे लगेगा तो फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर यहाँ पे क्या होगा, बूलियन के अलावा कुछ और होगा तो उसको वो पार्स करेगा, ट्रूथी और फॉल्सी करके पार्स करेगा, ठीक है। तो ये तो कर देते हैं पार्स, लेकिन उन दोनों को अगर मिलेगी कोई और वैल्यू तो वो कैसे बिहेव करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। नॉट समझ आ गया, नॉट में कोई इशू तो नहीं है, हम आगे चल के इसको यूज़ करेंगे कंटिन्यूसली तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आता रहेगा, अगर कभी कुछ रह भी किया तो। जी पार्स किस तरीके से करेगा, मतलब उसको ट्रू या फॉल्स में करना, हाँ मिसाल के तौर पे इज ओपन के अंदर अगर लिखा हुआ है कि भाई ओपन ऐसे लिखा हुआ है अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा, तो स्ट्रिंग क्या होता है, ट्रूथ ही होता है फॉल्स ही, ट्रूथ ही होता है ना, तो उसको ट्रू के तौर पे कंसिडर करेगा, तो नॉट लगने से वो फॉल्स बन जाएगा, नॉट लगने से वो फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। यानी स्ट्रिंग से क्या हो जाएगा, वो बूलियन में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स रिजल्ट तो होता ही फॉल्स है इसका हमेशा, यानी रिजल्ट तो होता ही बूलियन है, तो उसको इस तरह करके करेगा ये वेल। तो ये हमने देख लिया। अच्छा तो ये तो हमने देखा कि नॉट क्या करता है, पार्स कर लेता है, लेकिन इन सबको अगर और के ऑपरेटर को या एंड के ऑपरेटर को अगर बूलियन के अलावा कुछ और मिल गया तो मैंने ये कहा था कि वो पार्स नहीं करता है, तो वो क्या करता है देख लेते हैं। अगर मैंने उसको बोला लेट, ये बाकियों को ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ ना, ताकि इसको क्योंकि चला के भी देखना पड़ेगा हमें, अभी तक तो हम कोड चला नहीं रहे ना, ऐसे ही चल रहा है अभी हमारा, इसको हमें चला के भी देखना पड़ेगा। मैंने कहा लेट पोर्ट equals to अच्छा अब एक चीज मिल गई है, ये
पे ये हटा देता हूँ। अब ये दोनों रिटर्न क्या करेंगे, मुझे कुछ ऐसा आइडिया है किसी को, जावास्क्रिप्ट या कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है उनसे मेरा सवाल है ये, क्योंकि ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका बिहेवियर सेम है। एंड और जो हमने पढ़ा है ना लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका बिहेवियर सेम है, इसी तरह काम करते हैं ये। तो ये क्या रिटर्न करेगा, कौन सा करेगा, पहले वो चेक करेगा कि एनवायरनमेंट पॉइंट पे कोई वैल्यू है, अगर नहीं है तो फिर वो अभी है क्या इसमें कोई वैल्यू नहीं, हमने अनडिफाइन है। अच्छा तो ये अनडिफाइन है, ये वेरिएबल इस वक्त मौजूद नहीं है तो अनडिफाइन है, तो यहाँ पे अनडिफाइन है और यहाँ पे 3000 एक वैल्यू है, तो ये पूरा मिला के क्या रिटर्न करेगा, 3000 करेगा। बिल्कुल सही बताया यार, ठीक है। देखो आती है थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग, आप में से किसी को आती है थोड़ी बहुत तो आप भी ज़रा मशवरा दें कोई, क्यों पार्स करेगा ना? नहीं, नहीं करेगा पार्स, मैंने शुरू में बोल दिया था नहीं करेगा पार्स। एंड और का जो ऑपरेटर है वो पार्स नहीं करेगा, वो कुछ और करेगा, वो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम क्या करेगा। अच्छा जब इसको इनपुट में जब बूलियन नहीं मिलता ना तो फिर इसका आउटपुट भी चेंज हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई ये लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा क्या देता है, ट्रू फॉल्स आउटपुट देता है, लेकिन जब इसको इनपुट नहीं मिला ना ट्रू फॉल्स तो फिर आउटपुट भी ये ट्रू फॉल्स नहीं देगा, ये बिहेवियर बिल्कुल इसका चेंज हो जाता है इस पॉइंट पे आगे। इस पॉइंट पे ये क्या करेगा, जो कि इसका काम है वही करेगा, पहले वाले को चेक करेगा, अगर ये ट्रूथ ही वैल्यू है तो आगे चेक नहीं करेगा। ये और ऑपरेटर यही करता है ना, और ऑपरेटर में कोई एक भी ट्रू हो जाए तो काम चल जाता है, वो क्या करेगा पहले वाले को चेक करेगा, अगर पहला वाला ट्रूथ ही है तो आगे चेक नहीं करेगा, रिटर्न करेगा वहीं पे, क्या रिटर्न करेगा वही वैल्यू, क्योंकि वो ट्रू तो थी नहीं, वो जो भी थी उसको मिला जो समझ आया रिटर्न, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर मैंने बोला ना लेट पोर्ट नंबर इक्वल्स टू दिस, तो पोर्ट नंबर के अंदर क्या जाएगा, अच्छा ये वेरिएबल इस पर डिफाइन नहीं है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ, मैं वेरिएबल का नाम नहीं लिखता, फॉल्स लिख देता हूँ, कोई फॉल्सी वैल्यू लिख देता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग तो फॉल्स हो गया, तो ये आगे को चेक करेगा, अगर आगे इसको ट्रू मिला तो वो चीज़ रिटर्न कर देगा, अगर आगे भी ट्रू नहीं मिला तो क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो अनडिफाइन रिटर्न करता है। जावास्क्रिप्ट में कोई भी चीज़ कुछ रिटर्न नहीं करती तो अनडिफाइन। तो आमतौर पर ना आपको इस तरह करके ना मिलेंगे जावास्क्रिप्ट में देखने को, कि वो कहते हैं कि यार अच्छा यार अगर इस वेरिएबल में वैल्यू हो तो ये डाल दो, नहीं है तो दूसरी की डाल दो। जैसे जैसे मैं पोर्ट लिखा हूँ ना, जब हम सर्वर रन करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, तो आमतौर पर सर्वर का जो पोर्ट नंबर होता है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार प्रोसेस डॉट env, सॉरी क्या होता है यार इसका प्रोसेस डॉट env होता है, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, ठीक है। इस तरह करके ना मुझे मिल रहा होता है सर्वर पे, लेकिन मिलता है मुझे यहाँ नहीं मिलता, लोकल पे नहीं है, जब मैं किसी क्लाउड में जाता हूँ जब मिलता है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार जो पोर्ट नंबर पे सर्वर रन करना है ना, तो अगर तो ये मौजूद है तो इसको उठा के डाल दो, अदरवाइज ये उठा के डाल दो 3000, यानी मेरी मशीन में अगर जाहिर है वो नहीं मिलेगा मेरी मशीन में, क्योंकि ये तो होता है सिर्फ सर्वर के ऊपर। तो मैं ऐसे करके उसको बनाता हूँ, ये इसका बहुत कॉमन यूज़ केस है। हम सर्वर जिस दिन शुरू करेंगे, अभी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो पहले दिन हमें ये नज़र आ जाएगा कि ये और का ऑपरेटर वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। कंसोल कराएंगे तो 3000 आएगा, क्योंकि ये अनडिफाइन है। अच्छा मे भी मिलेगा, मेरे हो सकता है इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो तो फिर मिल भी जाएगा, नहीं मिलेगा लेकिन ब्राउज़र में नहीं मिलता इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो वो 3000 ही आएगा। आ जाते हैं इसको ज़रा चला के देखते हैं, असल में बात है ट्रूथी और फॉल्सी वाले की ना, ये वाली बात है। ओह क्या किया मैंने, ये इंस्पेक्ट कंसोल, ठीक है। अच्छा ये तो कह रहा है प्रोसेस ही अनडिफाइंड है, लेकिन इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ अनडिफाइंड मिलने वाला है मुझे, तो पहला वाला फॉल्सी है, दूसरा ट्रूथी है, तो दूसरे को रिटर्न करेगा, तो अब 3000 प्रिंट होना चाहिए। कंसोल नहीं किया मैंने, पोर्ट नंबर, ठीक है 3000 प्रिंट हुआ। अच्छा अगर पहले वाले में ही कोई वैल्यू मिल जाती 243 मिसाल के तौर पे, तो क्या होता, 243 मिल जाता है इसको, 243 आ गया। अच्छा इस तरह के और करके ना मैं बहुत सारे भी लगा सकता हूँ, 23 लगा दिया मैंने, सही है, लेकिन वो आखिर तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि शुरू वाले दोनों क्या हों, एम्प्टी स्ट्रिंग एक पे रख दिया, एक पे मैंने रख दिया जीरो, तो ये दोनों फॉल्सी वैल्यूज़ हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग और जीरो, तो अब 23 रिटर्न हो गए, ऐसा ही है। आ जाओ भाई 23 रिटर्न हो गया,
अच्छा, अब यही सेम चीज़ अगर मैं एंड ऑपरेटर के साथ करूँ तो उसका बिहेवियर इसमें अपोजिट है, उसका बिहेवियर इसमें क्या है, अपोजिट है। अब सोच के मुझे बताओ, अपोजिट बिहेवियर सोचो दिमाग में अपने, और मुझे बताओ कि अगर मैं इसको एंड बना दूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, एंड बना दूँ तो 23 रिटर्न करेगा। देख लेते हैं चला के, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न किया इसने, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग इसने रिटर्न कर दिया। अच्छा, अगर पहला वाला ट्रू हो जाए, पहले वाले में कोई मैंने लिख दी वैल्यू कार, तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो अब देखते हैं क्या रिटर्न करेगा, ये जीरो कर दिया। तो एंड का ऑपरेटर क्या कर रहा है, उसको जो पहला फॉल्सी वैल्यू मिलता है ना वो रिटर्न कर देता है, ये करता है वो, अपोजिट है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर को अगर तो मिलेगा ना दोनों साइड बूलियन, अगर तो मिलेगा दोनों साइड बूलियन तो वो चलेगा ट्रूथ टेबल के हिसाब से। अच्छा भाई, तो ट्रूथ टेबल में भी हो यही रहा है, ट्रूथ टेबल में भी ना हो यही रहा है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर इसको कोई भी नहीं मिला, अगर ये भी ट्रू हो गया, 45 हो गया, अब क्या करेगा, देखते हैं, लास्ट वाला उठा के कर दिया, ठीक है, तो लास्ट तक गया और लास्ट वाली वैल्यू उठा के रिटर्न कर दिया। और ट्रूथ टेबल में भी असल में हो यही रहा है कि पहला ट्रू है एंड एंड, दूसरा ट्रू है एंड एंड, तीसरा ट्रू है, तो वो लास्ट वाले को उठा के देता है कि लास्ट वाला ट्रू है, सही है, हो यही रहा होता है, वो हमें समझ में नहीं आता, उस समय ट्रूथ टेबल आसानी के लिए बना के बताते हैं ना, इसलिए हो रहा होता है। वेल, ये इतना यूज़ नहीं होता इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है। यूज़ सबसे ज़्यादा होता है ये वाला, ये क्या करता है, जो पहली ट्रू वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है, अगर इसको पूरी की पूरी सब फॉल्स मिल गया तो, सब फॉल्स मिल गया तो क्या करेगा, आखिरी फॉल्स वैल्यू उठा के भेज देता है ये, सही है, आखिरी जो भी फॉल्स वैल्यू मिलेगी वो दे देगा, आखिरी में अनडिफाइन हो जो भी हो वो उठा के दे दे रहा है, ठीक है, यानी कि फॉल्स दे दे रहा है, या अनडिफाइन कह लो उसको जो भी, यानी फॉल्सी वैल्यू को ही दे रहा है, क्योंकि फॉल्सी वैल्यू को ना हम हमेशा चेक करते हैं नॉट लगा के, फॉल्सी वैल्यू पर नॉट लगाएंगे वो ट्रू हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर पोर्ट नंबर जो है ना, मैं इसके नीचे अगर चेक करना चाह रहा हूँ कि उसमें से सारी पता चला खाली निकला है जो जो मैं चेक कर रहा था, तो मैं इस पर लगाता हूँ कि इफ़ नॉट पोर्ट नंबर, तो वो जितनी भी फॉल्सी वैल्यू ना वो सब पकड़ में आ जाती हैं, नॉट पोर्ट नंबर होगा ना तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉन्सोल डॉट लॉग कि भाई पोर्ट नंबर तो मिला ही नहीं, पोर्ट नंबर नॉट फाउंड एनीवेयर, ऐसे करके मैं उसको यहीं पकड़ लूँगा और मैं चलाऊँगा ही नहीं सर्वर को, रन नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा भाई मिला ही नहीं पोर्ट नंबर मुझे, कहीं से भी नहीं मिला, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन यूज़ होता है उसके अलावा, तो इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि यहाँ पे मैं इसका जिक्र कर दूँ आपसे। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि नमाज कितने बजे है हमारी, अभिषेक भाई, 8:30 पे, तो यानी 15 मिनट है हमारे पास। अच्छा, अब आपका जो टास्क है ना 15 मिनट का, थोड़ी सी कोडिंग भी करेंगे क्योंकि हम, वो टास्क आपका ये है कि गूगल करना है आपने, और लॉजिकल ऑपरेटर के ज़रिए आपने कोई ऐप बनानी है छोटी सी, जैसे कैलकुलेटर बनाया था ना हमने, प्लस माइनस के ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कैलकुलेटर बन सकता है, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या बनाया था हमने, ग्रेड वाला बना लिया था, लॉजिकल ऑपरेटर से क्या बन सकता है, एक तो मैंने ये बना दिया वेदर वाला, ये तो इनएलिजिबल हो गया है ना, ये तो मैंने बना के दिखा दिया, कुछ और गूगल करना है आपने, 15 मिनट है आपके पास, अच्छा खासा टाइम होता है, जल्दी से इसको सोचें, गूगल करें, आपस में मशवरा करें कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना प्रोग्रामिंग में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, जो हमने बात की है उसके पसमंज़र में गूगल करें, सर्च करें, लोग क्या बता रहे हैं और उससे क्या बन सकता है, किसी ने कुछ बनाया है उससे, तो वो आप भी बना दें जल्दी से, ठीक है, चलें।